बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ का मुनफरिद नावल असाडम तीसरा और आखिरी हिस्सा। तो चलिए दोस्तों नावल शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। मार्शल ड्रेले लंबे कद और भारी लेकिन वर्जिशी जिस्म का मालिक था, और भारी जिस्म होने के बावजूद इसकी फुर्ती और तेज़ी काबले दाद थी। वो असाडम का चीफ था और असाडम एजेंसी एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें मार्शल ड्रेले के अलावा सिर्फ 10 अफराद शामिल थे। यह ग्रुप गुज़िश्ता 4 सालों से इंतहाई खुफिया अंदाज में काम कर रहा था। इनके ग्रुप के जिम्मे क्रांस में ऐसे अनासर का खोज लगाना था जो क्रांस के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हों। इसमें हर किस्म के ग्रुप, सेंडिकेट, तंजीमें और एजेंसियाँ आ जाती थीं, और असाडम ने इन 4 सालों में अपनी कारगर्दगी की दहाक इस अंदाज में बिठा दी थी कि क्रांस के आला हकाम असाडम को अपना आखिरी और कामयाब तरीन हथियार करार देते थे, और असाडम ने आज तक आला हकाम को किसी भी मिशन में मायूस नहीं किया था। मार्शल ड्रेले समेत इसके ग्रुप में मौजूद हर आदमी इंतहाई तरबियत याफ्ता, तेज़ कारगर्दगी का मायर और बेहतरीन लड़ाका था। मार्शल आर्ट में इनकी महारत की मिसालें दी जाती थीं। ये ग्रुप बराह रास्त चीफ सेक्रेटरी के तहत काम करता था। मार्शल ड्रेले इस वक्त अपने ऑफिस में मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा पाकशिया सीक्रेट सर्विस और इमरान के बारे में ही सोच रहा था। इमरान और पाकशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में इसने बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए इसे यकीन था कि इस बार इनका मिशन खासा टफ रहेगा। लेकिन मार्शल ड्रेले बहरहाल इमरान और पाकशिया सीक्रेट सर्विस से ना खौफजदा था और ना ही मरूब, बल्कि इसका ख्याल था कि इमरान और पाकशिया सीक्रेट सर्विस की मौत बहरहाल असाडम के हाथों ही लिखी हुई है। इसे अपनी और अपने साथियों की कारगर्दगी और महारत पर मुकम्मल एतमाद था। चीफ सेक्रेटरी ने जब यह मिशन इसके ज़िम्मे लगाया तो उन्होंने इसे वाज़े अल्फाज में बता दिया था कि अगर वो इस मिशन में कामयाब ना हो सका तो असाडम को ख़त्म कर दिया जाएगा, इसलिए इन्हें हर सूरत में असाडम की कामयाबी की खबर ही मिलनी चाहिए, नाकामी की नहीं। और मार्शल ड्रेले ने इनसे वादा कर लिया था कि वह ना सिर्फ इन्हें कामयाबी की खबर सुनाएगा बल्कि इमरान और इसके साथियों की लाशें भी इनके सामने पेश करेगा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने पस मंज़र मालूम करने के लिए इसे 01 के क्रास्टो से बात करने की हदायत कर दी थी, लेकिन जब 01 एजेंसी की हेडक्वार्टर इसने फ़ोन किया तो वहाँ क्रास्टो मौजूद नहीं था, और क्रास्टो के नए पते और फ़ोन नंबर से ला इल्मी का आज़ार किया गया था, इसलिए इसे मजबूरन डेव से रबता करना पड़ा था क्योंकि इसे मालूम था कि डेव क्रांस में सबसे ज़्यादा बाखबर आदमी है। और फिर डेव ने ना सिर्फ इसे मुबारकबाद दी थी बल्कि इसकी कामयाबी के बारे में भी पेशन गोई कर दी थी। फिर डेव ने क्रास्टो से रबता किया और क्रास्टो ने खुद ही इससे रबता करके इसे तमाम पस मंज़र बता दिया था। और अब मार्शल ड्रेले अपनी ऑफिस में बैठा मेजर हडसन की आमद का इंतज़ार कर रहा था। मेजर हडसन इसका नंबर 2 था और वह दोनों मिलकर ही किसी भी मिशन का लाए अमल तैयार करते थे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला इमरान और इसके साथियों को ट्रेस करना था, और इस मसले को वो मेजर हडसन से डिस्कस करना चाहता था क्योंकि मेजर हडसन ऐसे मामलात में बेहद जहीन था। थोड़ी देर बाद ऑफिस के बंद दरवाजे पर दस्तखत की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुला और एक दरमियाने कद का नौजवान जिसने स्याह रंग का सूट पहना हुआ था अंदर दाखिल हुआ। ये मेजर हडसन था। आओ मेजर हडसन, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मार्शल ड्रेले ने अपनी आदत के मुताबिक तेज़ तेज़ लहजे में कहा। बस जब आपकी कॉल मुझे मिली तो मैं ब्लैक स्टार क्लब में था, वहाँ से यहाँ आने में बहरहाल वक़्त तो लग ही जाता है। मेजर हडसन ने सलाम करके मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए मुतमाना लहजे में कहा। तो मार्शल ड्रेले ने असबात में सर हिला दिया। ओके, अब सुनो, हमें एक नया मिशन मिला है और साथ ही धमकी भी कि अगर हम इस मिशन में नाकाम रहे तो असाडम को ख़त्म कर दिया जाएगा, मार्शल ड्रेले ने कहा। तो मेजर हडसन बे इख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए थे। क्या मिशन है बास, मेजर हडसन ने कहा। तो मार्शल ड्रेले ने इसे तफसील बता दी। मेजर हडसन खामोश बैठा, तफसील सुनता रहा। इसने कोई मदाखलत ना की थी, लेकिन इस मामूली से मिशन को इस कदर अहमियत क्यों दी जा रही है, मेजर हडसन ने तफसील सुनने के बाद कहा। तो मार्शल ड्रेले बे इख्तियार मुस्करा दिया। चीफ सेक्रेटरी के बकौल पाकशिया सीक्रेट सर्विस और ख़ास तौर पर इसके लिए काम करने वाला अली इमरान नाकाबले तस्कीर है, मार्शल ड्रेले ने कहा। मैंने भी पाकशिया सीक्रेट सर्विस और इस इमरान के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन ये लोग बहरहाल इंसान हैं और हमें ये एडवांटेज हासिल है
कि ये लोग इस वक्त क्रांस में हैं, इसलिए इनका मुकाबला तो इंतहाई आसानी से किया जा सकता है और इन्हें हलाक भी किया जा सकता है। मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बहुत ही आसान मिशन साबित होगा, मेजर हर्सन ने कहा। हाँ, लेकिन इस वक्त असल मसला ये है कि ये लोग गायब हो चुके हैं, अब इन्हें ट्रेस कैसे किया जाए, मार्शल ट्रेले ने कहा। बस इन्हें ट्रेस करना कुछ मुश्किल नहीं है, उन्होंने फार्मूला वापस हासिल करना है और फार्मूला 01 एजेंसी के करास्टो ने डिफेंस सेक्रेटरी के हवाले कर दिया था। डिफेंस सेक्रेटरी ने इसे किसी लेबॉरेटरी में पहुँचा दिया और ये बात वो लोग भी जानते होंगे, इसलिए इनका टारगेट बहरहाल डिफेंस सेक्रेटरी ही होंगे। वो इनसे इस लेबॉरेटरी के बारे में मालूम करके वहाँ से फार्मूला वापस हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, मेजर हर्सन ने कहा। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें डिफेंस सेक्रेटरी साहिब की निगरानी करनी चाहिए, मार्शल ट्रेले ने चौंककर कहा। नो बॉस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डिफेंस सेक्रेटरी साहिब को मैंने देखा हुआ है, इनका कद्दोकामत हमारे ग्रुप के हैरी से मिलता है। आप हैरी को डिफेंस सेक्रेटरी साहिब का रूप दे दें और बाकी ग्रुप इसके अमले की जगह ले लें, इस तरह ये लोग आसानी से हाथ आ सकते हैं, मेजर हर्सन ने कहा। अहम वक्त नहीं हो गए, डिफेंस सेक्रेटरी इंतहाई अहम और हसास तरीन अहदा है, इनकी जगह कोई दूसरा आदमी कैसे ले सकता है, उन्होंने सैकड़ों ऐसे काम करने होते हैं, ऐसी गुफ्तगू करनी होती है जो टॉप सीक्रेट होती है, और ये काम हैरी कैसे कर सकता है, मार्शल ट्रेले ने तेज़ लहजे में कहा। ओ यस बॉस, फिर ये हो सकता है बॉस कि डिफेंस सेक्रेटरी साहिब की रहाइशगाह की निगरानी की जाए, मुझे यकीन है कि इमरान और इसके साथी आज रात को ही इनकी रहाइशगाह पर रेड करेंगे, क्योंकि नाइट सिक्योरिटी के पेश नज़र आपस में तो वह इनसे पूछ कुछ कर ही नहीं सकते, मेजर हर्सन ने कहा। हाँ, तुम्हारी ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमने ये कराव इस अंदाज में करना है कि टॉप रैंक ऑफिसर्स कॉलोनी के सिक्योरिटी अफसरों को इसका इलम ना हो सके, वरना वो लोग लाजमन इनसे मालूम कर लेंगे और फिर हो सकता है कि वो चंद रोज़ खामोश बैठे रहें, इस तरह काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाएगा, जबकि मैं इस मिशन को फौरी तौर पर मुकम्मल करना चाहता हूँ, मार्शल ट्रेले ने कहा। यस बॉस, और इसका एक ही हल है बॉस कि हम डिफेंस सेक्रेटरी साहिब को एतमाद में लेकर इनकी रहाइशगाह में मौजूद इनके मुलाजमीन को हटाकर खुद इनकी जगह ले लें, इस तरह मामलात हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे और हम अपने मिशन में आसानी से कामयाब हो सकेंगे, मेजर हर्सन ने कहा। ओह हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, मैं बात करता हूँ डिफेंस सेक्रेटरी साहिब से, मार्शल ट्रेले ने कहा, और इसके साथ ही इसने मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और इसके साथ ही इसने 3 बटन प्रेस किए। यस सर, दूसरी तरफ से इसके सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। डिफेंस सेक्रेटरी साहिब जहाँ भी हों मेरी इनसे बात कराओ फौरन, मार्शल ट्रेले ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या इन्हें आपके बारे में बताया जा चुका है, मेजर हर्सन ने मार्शल ट्रेले से मुखातब होकर कहा। हाँ, चीफ सेक्रेटरी साहिब ने इन्हें ब्रीफ कर दिया है, मार्शल ट्रेले ने जवाब दिया। तो मेजर हर्सन ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो मार्शल ट्रेले ने रिसीवर उठा लिया। यस, मार्शल ट्रेले ने कहा, डिफेंस सेक्रेटरी साहिब से बात करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सर, मैं मार्शल ट्रेले बोल रहा हूँ, मार्शल ट्रेले ने मौदवाना लहजे में कहा। यस, क्या बात है, क्यों कॉल की है, दूसरी तरफ से भारी लहजे में कहा गया। सर, मुझे इतला मिली है कि पाक्शिया सिग्नल सर्विस आपकी रहाइशगाह पर रात को रेड करने वाली है, ताकि आपसे इस लेबॉरेटरी के बारे में मालूमात हासिल कर सकें जहां पाक्शिया SC फार्मूला आपने बजाया था, इसलिए हमने प्लान बनाना है कि हम आपकी रहाइशगाह के अंदर मौजूद रहें और इसका इलम आपकी ज़ात के अलावा और किसी को ना हो सके, वरना इन तक इतला पहुँच सकती है और वह रेड मुलतवी कर सकते हैं, इस तरह यह सारा मामला कुछ दिनों के लिए लटक जाएगा, मार्शल ट्रेले ने कहा। लेकिन वो तो कॉलोनी में दाखिल ही नहीं हो सकते, फिर मेरी रहाइशगाह तक कैसे पहुंच जाएंगे, आपको मालूम तो है कि टॉप रैंक ऑफिसर्स कॉलोनी में किस कदर सख्त सिक्योरिटी मौजूद होती है, डिफेंस सेक्रेटरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। जनाब, वो सीक्रेट एजेंट हैं, आम चोर नहीं है, सिक्योरिटी को वो आसानी से डांट दे देंगे, मार्शल ट्रेले ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन आप मेरी रहाइशगाह पर कैसे पहुँचेंगे, सिक्योरिटी को तो बहरहाल इसका इलम हो जाएगा, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। इसकी आप फिक्र ना करें, ये हमारा काम है, मार्शल ट्रेले ने कहा। ठीक है, कितने अफराद आएंगे, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। आपकी रहाइशगाह पर कितने मुलाजमीन हैं जनाब, आप मुझे इनकी तफसील दे दें, मार्शल ट्रेले ने पूछा। 4 मुलाजमीन हैं, मैं ज़्यादा मुलाजमीन पसंद नहीं करता, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। आप किस वक्त रहाइशगाह पर पहुँचते हैं, मार्शल ट्रेले ने पूछा। ऑफिसर्स क्लब से अक्सर रात को 10 बजे तक उठ जाता हूँ, डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है जनाब, हम आपसे क्लब में मुलाकात कर लेंगे,
और आपके साथ ही आपकी रहायशगाह पर चलेंगे और आप फ़ोन करके कॉलोनी की सिक्योरिटी को कहेंगे कि वो आपके ममानों की कार को ना चेक करेंगे और ना ही रोकेंगे। मार्शल ट्रेलर ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, आप 10 बजे तक पहुँच जाएँ, मैं आपका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, यस सर, ओके, थैंक यू सर, मार्शल ट्रेलर ने मुतमईन लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। तुम हैरी और जेरी को तैयार रहने का हुक्म दे दो, हम चारों वहाँ कार्रवाई करेंगे, मार्शल ट्रेलर ने कहा। तो मेजर हडसन ने असबात में सर हिला दिया और फिर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया, जबकि मार्शल ट्रेलर गहरे ख्यालों में खो गया। ग्रेस कॉलोनी की एक कोठी के बड़े कमरे में इमरान अपने साथियों समेत मौजूद था। वो सब मकामी मेकअप में थे। होटल रोज विला से वो मकामी मेकअप करके अलहदा अलहदा बाहर निकले थे और फिर एक मखसूस जगह पर इकट्ठे होने के बाद इमरान ने फ़ौरन एजेंट को एक पब्लिक फ़ोन बूथ से कॉल करके ये कोठी हासिल की थी और इसके बाद भी वो अलहदा अलहदा बसों में सवार होकर इस कॉलोनी में पहुँचे थे। इस कोठी में कार के साथ साथ इनके मतलब का असला, मेकअप का सामान और लिबास वगैरह सब कुछ मौजूद था। उन्होंने यहाँ पहुँच कर एक बार फिर मेकअप तब्दील कर लिए थे और इसके साथ ही उन्होंने अपने लिबास भी तब्दील कर लिए थे ताकि ओपन सेटेलाइट में अगर इनके लिबासों की तफसील फीड की गई हो तो वो लिबासों की वजह से चेक ना हो सकें। मुझे तो इस तसली पर बेहद गुस्सा है, इसको ज़रूर तलाश करना चाहिए, इसने वहाँ इंतहाई सफाकी और बर्बरीत से काम लिया है, जूलिया ने कहा। हाँ, इसने वहाँ एक लड़की और मुलाजम को नहायत बेरहमी और सफाकी से ज़िंदा जलाया है, लेकिन फ़िलहाल हमने अपने टारगेट पर काम करना है, इमरान ने कहा। टारगेट तो डिफेंस सेक्ट्री ही हो सकता है, सफ्तर ने कहा। हाँ, 01 एजेंसी डिफेंस सेक्ट्री के अंदर है, इसलिए लाजमी ये फार्मूला डिफेंस सेक्ट्री को पहुँचाया गया होगा और इसी से मालूम हो सकता है किसने इसे कहाँ और किस लेबॉरेटरी में पहुँचाया है, इमरान ने कहा। तो फिर मालूम करो कि इस वक्त डिफेंस सेक्ट्री कहाँ मौजूद है, अभी वहाँ पहुँच कर इसकी गर्दन नापते हैं, देखते हैं कि वो कैसे फार्मूला वापस नहीं करता, तनवीर ने कहा। तो इमरान ने असबात में सर हिलाते हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी पुलिस रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक नौसवानी आवाज़ सुनाई दी, टॉप रैंक ऑफिसर कॉलोनी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिस का नंबर दें, इमरान ने कहा। तो इमरान के साथी वे इख्तियार चौंक पड़े, शायद वो समझ रहे थे कि इमरान डिफेंस सेक्रेटरी के ऑफिस का नंबर मालूम करेगा, लेकिन इमरान ने दूसरी जगह का नंबर पूछा था और दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर इसने इंक्वायरी ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। यस, चीफ सिक्योरिटी ऑफिस, टॉप रैंक ऑफिसर्स कॉलोनी, रब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, इंचार्ज से बात करवाओ, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लियोनार्ड बोल रहा हूँ, इमरान ने मकामी लहजे में कहा। यस सर, मैं इंचार्ज कैप्टन हार्वर्ड बोल रहा हूँ सर, उसी आदमी ने जवाब देते हुए कहा। अलबत्ता इमरान के तारफ के बाद इसका लहजा मोरबाना हो गया था। कैप्टन हार्वर्ड, डिफेंस सेक्रेटरी साहिब ने अपनी रहायशगाह की हिफाजत के लिए आपको कोई खसूसी अहकाम दिए हैं, इमरान ने कहा। खसूसी अहकाम? नहीं सर, अलबत्ता उन्होंने इतना कहा है कि आज क्लब से इनके साथ इनके गेस्ट आ रहे हैं, इन्हें सिक्योरिटी पर चेक ना किया जाए, इसलिए वो पेश की इतला दे रहे हैं, कैप्टन हार्वर्ड ने कहा। ठीक है, इनका शेड्यूल क्या है, इमरान ने पूछा। जी, वो आम तौर पर क्लब से रात को 10-10:30 बजे वापस आ जाते हैं, कैप्टन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, बस यही मालूम करना था कि उन्होंने गेस्ट के बारे में क्या हदायत दी हैं, क्योंकि गेस्ट की हफाजत और इनका प्रोटोकॉल ज़रूरी है और इन्हें हफाजत देना क्रांसी हुकूमत की जिम्मेदारी है, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। ये गेस्ट कौन हो सकते हैं, जूलिया ने कहा। कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ये मालूम हो गया है कि डिफेंस सेक्रेटरी साहब की हफाजत के खसूसी इंतजाम नहीं किए जा रहे, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि जिन्हें गेस्ट कहा जा रहा है वही इनकी हिफाजत के लिए आ रहे हैं, सफदर ने कहा। तो इमरान बे इख्तियार चौंक पड़ा, तुम्हारे जहन में ये ख्याल कैसे आ गया, इमरान ने पूछा। इमरान साहब, ये बताया गया है कि क्लब से गेस्ट साथ आएंगे और इन्हें चेक पोस्ट पर चेक भी ना किया जाए, जबकि अगर ये डिफेंस सेक्रेटरी साहब के जाती गेस्ट होते तो वह क्लब से साथ ना आते, और अगर ये सरकारी गेस्ट हैं तो कानून के मुताबिक सिक्योरिटी ऑफिस में इनका अंदराज किया जाता, सफदर ने कहा। वेरी गुड, ये वाकई काबिल गौर बात है, इमरान ने कहा। अगर हम क्लब में इसे घेर लें तब, जूलिया ने कहा। क्लब में तो मुश्किल हो जाएगी, अलबत्ता रास्ते में इसे घेरा जा सकता है, इमरान ने कहा। हाँ, ये ठीक है, रास्ते में कहीं भी इसे रोका जा सकता है और फिर हम इनकी जगह ले सकते हैं, तनवीर ने भी तायद करते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, अगर ये मेहमान वाकई इसकी हिफाजत के लिए
साथ आ रहे हैं तो फिर ये लाजमी बात है कि वह तजर्बा गार और इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग होंगे। इस सूरत में इन्हें कैसे कवर किया जाएगा? सफदर ने कहा, क्यों नहीं कवर किया जा सकता, वो इंसान ही होंगे, कोई फलादी रिपोर्ट तो नहीं होंगे। तनवीर ने कहा, तनवीर ठीक कह रहा है सफदर, तुम अलमारी से नक्शा निकालो इस क्लब और टॉप रैंक ऑफिसर्स कॉलोनी के दरमियानी रास्ते को तो चेक करें, देखते हैं कि वहाँ क्या कोई ऐसा स्पॉट है भी सही जहाँ इन्हें रोका जा सकता हो, इमरान ने कहा। तो सफदर उठा और इसने अलमारी खोलकर इसमें से क्रांस के दारुल हुकूमत का तफसीली नक्शा निकाल लिया। इमरान इस नक्शे पर झुक गया और इसने बाल पॉइंट की मदद से इस पर निशानात लगाने शुरू कर दिए। नहीं, ये सब आबाद इलाका है, यहाँ कोई स्पॉट नहीं है, अगर आबाद इलाकों में कोई कार्रवाई की गई तो पुलिस फौरन वहाँ पहुँच जाएगी, इमरान ने गौर से नक्शे को देखते हुए होंठ पीच कर कहा। लेकिन अगर हम इन्हें कोठी में कवर करना भी चाहें तो हमारा अंदर जाना भी मसला बन जाएगा। सफदर ने कहा, वो कोई मसला नहीं है, अकबी तरफ एक और रास्ता मौजूद है जहाँ से कलोनी के मुलाजम आते जाते रहते हैं, मैं पहले भी एक बार वहाँ से अंदर जा चुका हूँ, मेरे ख्याल में वो रास्ता सेफ है, इमरान ने कहा। तो फिर ठीक है, कोठी में बेहोशी की गैस फायर करके हम अंदर दाखिल हो जाएंगे और फिर इत्मीनान से इससे पूछ कुछ की जाएगी, जूलिया ने कहा। ओके ठीक है, अब और कोई सूरत भी नहीं है, यही एक तरीका है और हमें अब इसी तरीके पर अमल करना होगा, इमरान ने कहा। इमरान साहिब, मेरा ख्याल है कि हमें दो ग्रुपों की सूरत में काम करना चाहिए, एक ग्रुप पहले से कोठी के अंदर पहुँच कर इस पर कब्जा करे जबकि दूसरा ग्रुप क्लब में कोशिश करे, कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्लब में काम नहीं हो सकता क्योंकि ये हाई रैंक ऑफिसर्स क्लब है, इस क्लब में अजनबी आदमी का दाखिला भी नामुमकिन होगा। अलबत्ता ये आइडिया अच्छा है कि हम पहले से ही कोठी में कब्ज़ा कर लें ताकि अगर डिफेंस सेक्रेटरी के साथ वाकई कोई महाफज हैं तो इन्हें आसानी से कवर किया जा सके, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इस तरह वहाँ बेहोशी की गैस तो फायर नहीं की जा सकेगी, जूलिया ने कहा। महदूद पैमाने पर काम हो सकता है, चलो उठो, इमरान ने कहा और इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ तो इसके बाकी साथी भी उठकर खड़े हो गए और फिर थोड़ी देर बाद इनकी कार तेज़ी से ग्रेस कॉलोनी से निकलकर टॉप रैंक ऑफिसर्स कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क पर आगे पड़ी चली जा रही थी। सियाह रंग की नए मॉडल की चमकदार दो कारें नहायत तेज़ रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। अगली कार में डिफेंस सेक्रेटरी जैक बार्टर अपने सरकारी ड्राइवर के साथ मौजूद था जबकि अगली कार असाडम की थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर मेजर हडसन था जबकि साइड सीट पर मार्शल डल्ले और अगली सीट पर इनके ग्रुप के दो अफराद हैरी और चैरी मौजूद थे। मार्शल डल्ले तयशुदा प्रोग्राम के तहत अपने साथियों समेत क्लब पहुँच गया था और फिर क्लब से वो अब इकट्ठे ही बाहर निकले थे। बस आपने ये अच्छा किया है कि सबको इंजेक्शन लगा दिए हैं जिनकी वजह से बेहोश कर देने वाले गैस के असरात नहीं होते, वरना ये लोग लाजमन पहले कोठी के अंदर गैस फायर करते और फिर अंदर आते, मेजर हडसन ने कहा। वो ख़तरनाक लोग हैं इसलिए इनकी तरफ से किसी भी मुमकिन कार्रवाई से बचने के लिए मैंने ये हफाजती इकदाम किया है, हमें हर लिहाज से मुतात रहना चाहिए वरना वो कुछ भी कर सकते हैं, मार्शल ट्रेले ने जवाब देते हुए कहा। बस अगर उन्होंने हमारे पहुँचने से पहले ही कोठी पर कब्जा कर लिया तब हमारा क्या लाया अमल होगा। अचानक अपनी सीट पर बैठे हुए लंबे कद और वर्जिशी जिस्म के हैरी ने कहा तो मार्शल ड्रिले और मेजर हडसन दोनों चौंक पड़े। ओ वाकई ऐसा भी हो सकता है, मार्शल ड्रिले ने कहा। हैरी की बात दुरुस्त है बास, ये काम वाकई हो सकता है, हमें इस बारे में कोई इकदाम सोच लेना चाहिए, मेजर हडसन ने कहा। सोचना क्या है, हम बहरहाल एहतियात कर लेंगे, मार्शल ड्रिले ने जवाब दिया तो मेजर हडसन ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो टॉप रैंक ऑफिसर्स कॉलोनी पहुंच गए। चूँकि डिफेंस सेक्रेटरी जैक बार्टर ने पहले ही सिक्योरिटी को हदायत दे रखी थी इसलिए इन्हें वहाँ रोका ही ना गया और दोनों कारें एक दूसरे के पीछे हर्डल क्रॉस करके कॉलोनी में दाखिल हो गईं। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद दोनों कारें एक बड़ी और शानदार कोठी के बड़े से फाटक के सामने जाकर रुक गईं। डिफेंस सेक्रेटरी के ड्राइवर ने तीन बार हॉर्न दिया तो कोठी का फाटक मकानगी अंदाज में खुलना शुरू हो गया। कोठी के अंदर गेट के पास दो मसला दरबान मौजूद थे, उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को बाकायदा सलूट किया और डिफेंस सेक्रेटरी ने सिर्फ सर हिलाकर जवाब दिया और इनकी कार तेज़ी से अंदर दाखिल होकर वसीओ अरीस पोर्च में जाकर रुक गई। इनके पीछे मेजर हडसन ने भी कार रोक दी और फिर वो सब तेज़ी से नीचे उतर आए। वो बड़े चुकन्ना अंदाज में इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहे थे। डिफेंस सेक्रेटरी भी कार से नीचे उतर आए थे जबकि इनका एक मुलाजम फाटक बंद करके
वापस पोर्च की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। आपकी फैमिली यहाँ मौजूद नहीं है सर, मार्शल रोयले ने कहा। नहीं, वो एक्रेमिया गई हुई है, इन दिनों मैं अकेला यहाँ रहता हूँ। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा। आप अपने मुलाजमीन को कॉल करके किसी एक कमरे तक इन्हें महदूद रहने का हुक्म दे दें और आप भी अपने बेडरूम में चले जाएं, बाकी काम हम खुद कर लेंगे, मार्शल रेले ने कहा। मुलाजमीन को एक दिन की छुट्टी क्यों ना दे दी जाए, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। यह ज़्यादा बेहतर रहेगा, मार्शल रेले ने कहा। नाटी, डिफेंस सेक्रेटरी ने फाटक बंद करके वापस पोर्च में आकर खड़े हुए मुलाजम से मुखातब होकर कहा। यस सर, मुलाजम ने बहुत बाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम बाकी मुलाजमों को बुलाओ और तुम सब एक दिन की छुट्टी पर चले जाओ। ड्राइवर तुम भी जाओ, आज यहाँ की हफाजत ये लोग करेंगे, तुम में से किसी की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है आज, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, नार्टी ने जवाब दिया और तेज़ी से अंदरूनी तरफ को चला गया, जबकि ड्राइवर ने भी सलाम किया और बरूनी फाटक की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद अंदर से नार्टी के अलावा तीन मुलाजमीन बाहर आए, इन सब ने सलाम किया और फिर वो सब बैरूनी फाटक की तरफ बढ़ते चले गए। जैरी, तुम जाकर फाटक लॉक कर दो, मार्शल ड्रेले ने अपने साथी से कहा, और जैरी भी खामोशी से मुलाजमीन के पीछे बैरूनी फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। आइए सर, मैं आपको आपके बेडरूम तक पहुँचा दूँ, मार्शल ड्रेले ने कहा। तो डिफेंस सेक्रेटरी साहिब सर हिलाते हुए अंदरूनी तरफ को बढ़ गए। हैरी, तुम अकबी तरफ रहो और मेजर हडसन तुम और जैरी यहाँ फ्रंट की तरफ रहोगे, मार्शल रेले ने अपने साथियों को हदायत देते हुए कहा और फिर वो खुद डिफेंस सेक्रेटरी के पीछे चलता हुआ अंदरूनी तरफ को बढ़ गया। सर, आप मेरी आवाज़ सुने बगैर दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, बेडरूम के दरवाजे के सामने पहुँच कर मार्शल रेले ने कहा। ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब दिया और फिर वो बेडरूम का दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुए और फिर अंदर से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मार्शल रेले ने पहले तो सारी कोठी घूम कर इसका अच्छी तरह जायज़ा लिया और फिर वह सामने के रुख पर आ गया। मेजर हडसन और जैरी दोनों वहाँ मौजूद थे। अब हमने इंतहाई होशियार रहना है, ये लोग किसी भी वक्त हमला आवर हो सकते हैं और इनका आम अंदाज यही होता है कि वो पहले अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करते हैं फिर अंदर दाखिल होकर कार्रवाई करते हैं, इसलिए मैंने बेहोशी से बचने के लिए इंजेक्शन तुम्हें लगवाए थे, मार्शल ट्रेले ने कहा। बस ये ख्याल तो गलत साबित हुआ कि इन लोगों ने पहले ही यहाँ पर कब्जा कर रखा होगा, ये तो अच्छा हुआ कि हमने बाहर से अंदर गैस फायर नहीं कर दी, मेजर हडसन ने कहा। हाँ, ऐसा हो भी सकता था, हमें हर इम्कान को मद्देनजर रखना होता है, मार्शल ड्रेले ने कहा। बस यहाँ कुर्सियाँ मौजूद हैं, मेरा ख्याल है कि एक कुर्सी के अकम में मौजूद हैरी को भी दे दी जाए और हम भी कुर्सियों पर बैठ जाएं, क्योंकि न जाने कितने वक्त तक हमें यहाँ रहना पड़े, अगर हम तहील वक्त तक खड़े रहे तो थकावट की वजह से हमारी कारकर्दगी मुतासर हो सकती है, मेजर हडसन ने कहा। ठीक है, बैठ जाओ, मार्शल ड्रेले ने कहा और खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि जैरी ने एक कुर्सी उठाई और इसे लेकर वो साइड गली से होता हुआ अकबी तरफ चला गया। बस इन लोगों ने किसी और तरह से लेबॉरेटरी का पता न चला लिया हो, मेजर हडसन ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। होने का तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो इसी को चेक करते हैं, मार्शल ड्रेले ने जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे जैरी वापस आ गया और फिर वो भी एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर इन्हें वहाँ बैठे हुए तकरीबन एक घंटा गुजर गया, लेकिन ना पाकशाही सिगरेट एजेंट आए और ना ही किसी और ने मदाखलत की, तो मार्शल ड्रेले को बोरियत सी महसूस होने लग गई। मेरा ख्याल है कि हमने ख्वा मखा इन पाकशाही एजेंटों को जहीन समझा है, अगर वो जहीन होते तो अब तक यहाँ पहुँच चुके होते, यकीनन वो कहीं धक्के खाते फिर रहे होंगे, मार्शल ड्रेले ने कहा। तो मेजर हडसन और जैरे दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब बास, मेजर हडसन ने हैरत भरे लहजे में कहा, अगर इन्हें यहाँ आना होता तो अब तक आ चुके होते, मेरा ख्याल है कि जैरी और हैरी दोनों यहीं रुकें और हम दोनों वापस चले जाएं, अब आ ही गए हैं तो दो आदमी यहाँ रह ही जाएं, मार्शल ड्रेले ने उठते हुए कहा। लेकिन इनकी तादाद ज़्यादा होगी, ऐसा ना हो कि हैरी और जैरी इन्हें संभाल ना सकें, मेजर हडसन ने कहा। नहीं, हम संभाल लेंगे, हम पहले से चुकन्ने हैं, वो बाद में यहाँ दाखिल होंगे, जैरी ने कहा। जाओ हैरी को बुला लाओ, मैं तुम दोनों को तफसील से हदायत दे दूं, फिर तुम दोनों यहाँ रुक जाना, हम वापस चले जाएंगे, मार्शल ड्रेले ने कहा। तो जैरी सनहराता हुआ पर आमदे से नीचे उतरा और साइड गली की तरफ मुड़ गया। आपने अचानक ही वापसी का प्रोग्राम बनाया है, मेजर हडसन ने कहा। मुझे इस किस्म की कार्रवाई से बोरियत होती है, तो हील इंतज़ार मेरे मजाज के खिलाफ है, मैं किसी एक जगह ज़्यादा देर टिक कर नहीं बैठ सकता,
मार्शल ड्रेले ने कहा, लेकिन दूसरे लम्हे इन्हें बंद गली से किसी के तोड़ने की आवाज़ें सुनाई दी तो वह दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े। उसी लम्हे जैरी दौड़ता हुआ गली से निकलकर सामने आया। इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। वो हैरी को हलाक कर दिया गया है, इसकी लाश वहीं पड़ी है, जैरी ने कहा। हैरी की लाश, क्या मतलब? मार्शल ड्रेले ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। और फिर वो और मेजर हडसन दोनों दौड़ते हुए साइड गली की तरफ बढ़ गए। साइड गली से होते हुए जब वो अकबी तरफ पहुंचे तो वो इस तरह अचानक ठटक कर रुक गए जैसे चाबी ख़त्म हो जाने पर खिलौने रुक जाते हैं। लान के एक साइड पर वाकई हैरी की लाश पड़ी हुई थी। इसका जिस्म सीधा था और चेहरा इस हद तक मस्क नज़र आ रहा था जैसे वो मरने से पहले इंतहाई खौफनाक अजियत से गुजरा हो। ये क्या मतलब? मार्शल ड्रेले ने लाशौरी तौर पर बड़बड़ाते हुए कहा। और इसके साथ ही वो मुड़ा और दूसरे लम्हे वो उछल पड़ा क्योंकि इसने एक खिड़की खुली हुई देखी थी। वो तेज़ी से खिड़की की तरफ बढ़ गया। ये किसी बेडरूम की खिड़की थी और फिर बेडरूम में झांकने पर इसे एक बार फिर उछलने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि सामने ही मेज़ के साथ कालीन पर डिफेंस सेक्रेटरी टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। इनके जिस्म पर वही लिबास था जो उन्होंने क्लब में पहना हुआ था। ओहो, वेरी बैड, वो लोग यहाँ काम कर भी गए और हम बाहर अहमक बने बैठे रहे, मार्शल ड्रेले ने कहा। और दूसरे लम्हे वो तेज़ी से उछलकर खिड़की पर चढ़ा और अंदर दाखिल होकर इसने दूसरी तरफ मौजूद बेडरूम का दरवाज़ा खोल दिया। जैरी बाहर ही रह गया था, अलबत्ता मेजर हडसन मार्शल ड्रेले के पीछे ही खिड़की के रास्ते अंदर आ गया था। सेक्रेटरी साहिब जिंदा हैं जनाब, मेजर हडसन ने कालीन पर पड़े हुए डिफेंस सेक्रेटरी जैक बार्टर पर जगते हुए कहा तो मार्शल ड्रेले का बुरी तरह सता हुआ चेहरा कदरे नॉर्मल होना शुरू हो गया क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी का इसकी मौजूदगी में हलाक हो जाना इसके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकता था। चंद लम्हों बाद उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को उठाकर एक कुर्सी पर डाला और फिर मेजर हडसन ने रैक से शराब की बोतल उठाकर इसे खोला और फिर डिफेंस सेक्रेटरी का मुंह पिंच कर इसने शराब इसके हलक में अंडेलना शुरू कर दी। शराब की कुछ मकदार जब इसके हलक से नीचे उतरी तो इसके होश में आने के आसार नज़र आने लग गए। ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, आज से पहले हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मार्शल ड्रेले ने बड़बड़ाते हुए कहा। उस लम्हे डिफेंस सेक्रेटरी साहिब कराते हुए होश में आ गए तो मेजर हडसन ने इन्हें मजीद शराब पिला दी और फिर वो जल्द ही पूरी तरह होश में आ गए तो मेजर हडसन पीछे हट गया। क्या हुआ है जनाब, आप यहाँ पर होश पड़े हुए थे, मार्शल ड्रेले ने कहा। वो मैं दरवाज़ा बंद करके पलटा ही था कि अचानक किसी ने मुझे छाप लिया और फिर मुझे होश ना रहा। होश आया तो मैं कालीन पर पड़ा हुआ था और एक आदमी ने अपना पैर मेरी गर्दन पर रखा हुआ था। ओहो, इंतहाई खौफनाक अजाब था, इंतहाई होलनाक। इसने मुझसे लेबॉरेटरी के बारे में पूछा और मुझे अजाब से बचने के लिए इसे बताना पड़ा। फिर मैं बेहोश हो गया और अब मुझे होश आया है, डिफेंस सेक्रेटरी ने रुक रुक कर जवाब देते हुए कहा। तो मार्शल ड्रेले ने बेइख्तियार एक तहील सांस लिया। अब वो सारी सूरत हाल समझ गया था कि पाकशाही एजेंट अकब से खिड़की के जरिए बेडरूम में दाखिल हुए और वाशरूम में छुप गए। मुलाजमीन को भी इनका पता ना चल सका था और फिर वो बाहर पहरा देते रह गए जबकि पाकशाही एजेंटों ने डिफेंस सेक्रेटरी से पूछ कुछ की और फिर बेडरूम से बाहर आ गए। हैरी इनके रास्ते में आया तो इसे हलाक करके अकबी तरफ से वो इत्मीनान से निकल गए। कहाँ है वो लेबॉरेटरी, क्योंकि अब हमें इस लेबॉरेटरी में जाकर इन्हें पकड़ना पड़ेगा, मार्शल ड्रेले ने कहा। ये तो सीक्रेट है, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा तो मार्शल ड्रेले का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मेरा एक साथी हलाक हो चुका है जनाब, हम बाहर मौजूद थे, आपने मामूली सी आवाज़ भी नहीं निकाली वरना हम इन्हें पकड़ लेते, और अब अगर आपने ना बताया तो वो लोग लेबॉरेटरी तबाह करके फार्मूला उड़ा ले जाएंगे और हो सकता है कि वो अब तक वहाँ पहुँच भी चुके हों, इसलिए आप प्लीज़ बता दें ताकि हम तेज़ी से कार्रवाई कर सकें, मार्शल ड्रेले ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा। लेबॉरेटरी का नाम सेंड्रिल्ला है, वो 31 स्क्वायर के हलके में है, सेंड्रिल्ला इंडस्ट्री के नाम से, ऊपर हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री है जबकि नीचे तहखानों में लेबॉरेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। वहाँ का फ़ोन नंबर क्या है और सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है, मार्शल ड्रेले ने पूछा। फ़ोन नंबर तो मेरे पीए को मालूम होगा, वैसे वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज सेकार्नो है, डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा। तो मार्शल ड्रेले ने आगे बढ़कर एक तरफ मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाया और फिर इसने इंक्वायरी से सेंड्रिल्ला हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री का फ़ोन नंबर मालूम करके क्रेडल दबाकर टून आने पर वो नंबर प्रेस कर दिए। आखिर में इसने लोडर का बटन भी प्रेस कर दिया। सेंड्रिल्ला हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री, रब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सिक्योरिटी इंचार्ज से कारनों से बात कराओ, डिफेंस सेक्रेटरी साहब बात करना चाहते हैं, मार्शल ड्रेले ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से मौलवाना लहजे में कहा गया। सर,
आप इसे मेरे बारे में बता दें ताकि मैं वहां पहुंचकर हालात को कंट्रोल कर सकूं। मार्शल रेले ने रिसीवर डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा और डिफेंस सेक्रेटरी ने रिसीवर लेकर अस्पताल में सर हिलाया और फिर रिसीवर कान से लगा लिया। हेलो, चीफ सिक्योरिटी अफिसर सेकार्नो बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर सेकार्नो, पाकशाही एजेंट इस लेबार्ट्री से वो फार्मूला हासिल करना चाहते हैं जो पाकशाह से लाया गया था। हुकूमत ने इसकी हफाजत और इन एजेंटों के खात्मे के लिए सरकारी एजेंसी असाडम को चार्ज दे दिया है। असाडम के चीफ मार्शल ड्रेले वहाँ पहुँच रहे हैं। आपने इनके तहत इस वक्त तक काम करना है जब तक पाकशाही एजेंटों का खात्मा नहीं हो जाता, डिफेंस सेक्रेटरी ने इंतई बावकार लहजे में कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो मार्शल ड्रेले ने रिसीवर डिफेंस सेक्रेटरी के हाथ से ले लिया। हेलो, मैं मार्शल ड्रेले बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ असाडम एजेंसी, मार्शल ड्रेले ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया, हम लेबार्ट्री पहुँच रहे हैं, आप हमसे मुलाकात करेंगे फिर तफसील से तमाम मामला तय कर लेंगे, लेकिन हमारे पहुँचने तक आपने पूरी तरह मुतात रहना है। हो सकता है कि पाकशाही एजेंट हमारे पहुँचने से पहले वहाँ रेड कर दें, मार्शल ड्रेले ने कहा। यहाँ के हिफाजती इंतजामात इंतहाई सख्त हैं जनाब, आप बेफिक्र रहें, वो यहाँ नहीं आ सकते और अगर आ भी गए तो वह यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जा सकेंगे। हमने यहाँ सिक्योरिटी का फूल प्रूफ इंतज़ाम कर रखा है, दूसरी तरफ से कहा गया। बहरहाल आप फिर भी मुतात रहेंगे, हम पहुँच रहे हैं, मार्शल ड्रेले ने तेज लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो मार्शल ड्रेले ने रिसीवर रख दिया। हम जा रहे हैं सर, अपने साथी की लाश भी ले जा रहे हैं, आप हमें इजाज़त दें, मार्शल ड्रेले ने कहा। तो डिफेंस सिक्योरिटी ने इस बात में सर हिला दिया। तो मार्शल ड्रेले तेज़ी से मुड़ा और कमरे से बाहर राहदारी में आ गया। मेजर हडसन इसके पीछे था। दोनों के चेहरे सते हुए थे क्योंकि एक लिहाज से पाकशाही एजेंटों ने इन्हें बड़े वाजिया अंदाज में शिकस्त दे दी थी, लेकिन मार्शल ड्रेले को यकीन था कि अब इनसे लेबार्ट्री में मुकाबला होगा और इसने फैसला कर लिया था कि वो इनसे ना सिर्फ अपनी शिकस्त का इंतकाम लेगा बल्कि अपने साथी हैरी की मौत का बदला भी इस तरह लेगा कि लोग इन पाकशाही एजेंटों की लाशों से ही अबरत पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। हैरी की हलाकत पर सबसे ज़्यादा गुस्सा मार्शल ड्रेले को था क्योंकि मरने वाला हैरी इसके अजीज़ों में से था। इसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि एक बार पाकशाही एजेंट इसके हाथ लग जाएं तो वह इन्हें अबरतनाक अंजाम से दो चार कर देगा और इन सब को हलाक करके इनसे हैरी की मौत का बदला लेगा। इमरान अपने साथियों समेत अपनी रहायशगाह में मौजूद था। वो अभी टॉप रैंक ऑफिसर्स कॉलोनी से यहाँ वापस पहुँचे थे। वो सब अकबी रास्ते के ज़रिए कॉलोनी में दाखिल हुए थे, लेकिन जब वो डिफेंस सेक्रेटरी की कोठी पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने कोठी की साख्त और अंदर जलती हुई लाइट से अंदाज़ा लगा लिया था कि कोठी के अंदर काफ़ी लोग मौजूद होंगे, इसलिए इमरान ने अकेले अंदर जाने और डिफेंस सेक्रेटरी का इंतज़ार करने का फ़ैसला किया, वरना वहाँ लाजमन खासी कत्लो गारत करना पड़ती और इमरान ऐसा नहीं चाहता था। चनाचा इसने अपने साथियों को वापस कॉलोनी की अकबी तरफ भेज दिया और ख़ुद वो अकबी दीवार फाँध कर कोठी में दाखिल हुआ और फिर इसे अकबी तरफ एक बेडरूम की खिड़की खुली नज़र आई तो वह सामने की तरफ जाने के बजाय इस खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो गया। अलबत्ता इस खिड़की को अंदर से बंद कर दिया गया था। बेडरूम का अंदाज बता रहा था कि यह डिफेंस सेक्रेटरी का ज़ाती बेडरूम है, इसलिए इसे यकीन था कि मुलाजिम इसमें दाखिल ना होंगे। चनाचा वो वहाँ इत्मीनान से एक कुर्सी पर बैठ गया, फिर इसे कदमों की आहट बाहर राहदारी में सुनाई दी तो वह तेज़ी से उठकर वाशरूम की तरफ बढ़ गया। इसने वाशरूम का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और अंदर चला गया। अलबत्ता इसने दरवाज़ा पूरी तरह बंद ना किया था, उसी लम्हे बेडरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। सर, आप मेरी आवाज़ सुने बगैर दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ तेज़ अंदाज में बोल रहा था। ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा, दूसरी आवाज़ सुनाई दी और इसके बाद दरवाज़ा बंद हुआ और फिर कदमों की आवाज़ वाशरूम की तरफ बढ़ने लगी। इमरान समझ गया कि आने वाला डिफेंस सेक्रेटरी है और चूंकि इमरान को मालूम था कि बाहर लोग मौजूद हैं, इसलिए इसने डिफेंस सेक्रेटरी के वाशरूम में आने का इंतज़ार किया। जैसे ही डिफेंस सेक्रेटरी वाशरूम में दाखिल हुआ, इमरान ने इसे दबोचकर इसकी गर्दन को मखसूस अंदाज में झटका देकर इसे बेहोश किया और इसे वाशरूम से बाहर लाकर कालीन पर डाल दिया। इसके बाद इसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। फिर इसने वापस आकर इस आदमी की गर्दन को एक बार फिर मखसूस अंदाज में झटका देकर सीधा किया और फिर इसके होश में आते ही इसकी गर्दन पर पैर रखकर इसे मोड़ दिया और इससे पूछताछ शुरू कर दी। ये वाकई डिफेंस सेक्रेटरी था और फिर इसने बता दिया कि पाकशाह से लाया जाने वाला फार्मूला सेंड्रेला लेबार्ट्री में पहुँचाया गया है। इमरान ने इससे लेबार्ट्री के महलों वकू और वहाँ के बारे में तमाम तफसीलात मालूम कर ली और इसके बाद इसने इसे सिर्फ बेहोश किया
और खिड़की खोलकर बाहर आया तो इसने वहाँ एक आदमी को कुर्सी पर बैठे हुए देखा। वो आदमी इस तरह इत्मीनान भरे अंदाज में बैठा हुआ था जैसे इसे किसी के वहाँ आमद का तसव्वुर तक ना हो। इमरान ने खिड़की खोलते ही इसे देख लिया था, इसलिए वह इंतहाई मुतात अंदाज में दबे कदमों इसकी तरफ बढ़ने लगा। फिर जब वो इस आदमी तक पहुँचा तो इसे आखिरी लम्हे तक एहसास ही ना हो सका था। इमरान इसकी जसामत और अंदाज को देख कर ही समझ गया था कि यह आदमी तरबियत याफ्ता है, इसलिए इसने इसके साथ भी वही कार्रवाई की जो इसने डिफेंस सेक्रेटरी के साथ की थी कि पहले इसे दबोचा और फिर इसकी शाहरुख पर पैर रखकर इससे मालूमात हासिल कर ली। इस तरह आदमी चूंकि ऊंची आवाज़ निकालने से कासर रहता था इसलिए इमरान ने यही तरीका इख्तियार किया था और इस आदमी से इसे मालूम हो गया कि वो एक खुफिया सरकारी एजेंसी असाडम का आदमी है। असाडम का चीफ मार्शल ड्रेले और नंबर टू मेजर हडसन है और वो दोनों एक और आदमी जैरी के साथ सामने की तरफ मौजूद हैं। इससे मालूमात हासिल कर लेने के बाद इमरान ने इसकी शाहरुख कुचल कर इसे हलाक किया और फिर इत्मीनान से दीवार फलांग कर वो बाहर आ गया। इसके साथ ही बाहर इसके इंतज़ार में थे और इमरान इन्हें साथ लेकर सीधा वापस अपनी रहायशगाह पर आ गया था। रास्ते में इसने कोठी के अंदर होने वाली तमाम कार्रवाई के बारे में अपने साथियों को मुख्तसर तौर पर बता दिया था। इमरान साहिब, हमें फौरी तौर पर इस लेबॉरेटरी पर रेड करना चाहिए ताकि जब तक ये लोग संभलें हम अपना मिशन मुकम्मल कर लें, वरना अब लाजमन उन्होंने लेबॉरेटरी पहुंच जाना है और फिर वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर देंगे, सफदर ने कहा। सफदर दुरुस्त कह रहा है, तुमने वाकई वापस आने में जल्दी की है, तुम्हें वहाँ मौजूद अफराद का खात्मा कर देना चाहिए था, जूलिया ने सफदर की तायद करते हुए कहा। मैं तो हर काम में जल्दी करने की कोशिश करता हूँ लेकिन न जाने क्यों मुसलसल देर हो जाती है, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। क्या मतलब, जूलिया ने चौंक कर कहा। मतलब सफदर से पूछो, अब तक खुतबा नगाह ही याद नहीं कर सका, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो सब साथी बेइख्तियार हंस पड़े। इमरान साहिब, आपकी यहाँ वापसी का मतलब है कि आप अभी लेबॉरेटरी पर रेड करना नहीं चाहते। इससे पहले कि जूलिया इमरान की बात का जवाब देती, कैप्टन शकील बोल पड़ा। क्यों, ये नतीजा तुमने कैसे निकाल लिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए कि सफदर की बात दुरुस्त है, वहाँ अगर रेड करना था तो फौरी होना चाहिए था, लेकिन जाहिर है आप हमसे भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में सोच सकते हैं। आपकी यहाँ वापसी से तो यही जहर होता है कि आपने वहाँ रेड करने का इरादा मलतवी कर दिया है, कैप्टन शकील ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। क्या वाकई यही बात है, जूलिया ने इमरान से पूछा। हाँ, लेकिन हो सकता है कि बाद में इरादा बदल जाए, इमरान ने मुस्कराते हुए कहा। लेकिन क्यों इमरान साहिब, बगैर रेड किए वहाँ से हमें फार्मूला कैसे मिल सकता है, सफदर ने कहा। जो कुछ मुझे इस डिफेंस सेक्रेटरी से मालूम हुआ है, इसके बाद हम अंधाधुंध इकदाम करके वहाँ से फार्मूला नहीं निकाल सकते और असाडम ने भी यकीनन वहाँ अपने आदमी तैनात किए हुए होंगे। ये तंजीम खासी तेज़ है और मार्शल ड्रेले के बारे में भी मुझे मालूम है कि वो जहीन भी है और तेज़ रफ्तारी से काम करने का भी आदी है। हो सकता है कि वो अपने आदमियों को कोठी पर छोड़कर खुद वहाँ चला गया हो, इसलिए हमें लेबॉरेटरी के खिलाफ सोच समझ कर इकदाम उठाना होगा, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहिब, क्या आप बगैर सेंड्रेला लेबॉरेटरी में गए फार्मूला हासिल नहीं कर सकते, अचानक कैप्टन शकील ने कहा। तो सारे साथी बेइख्तियार चौंक पड़े और कैप्टन शकील की बात सुनकर इमरान के लबों पर तो हल्की सी मुस्कराहट तैरने लग गई, लेकिन बाकी साथियों के चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासरात उभर आए थे। ये क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारा जहन बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से मफलूज होता जा रहा है, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ मिस जूलिया, इमरान साहब इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम करने के आदी हैं और इन्हें जब मालूम हुआ कि इंतहाई तेज़ रफ्तार एजेंसी असाडम को हमारे मुकाबले पर लाया गया है और वो लोग डिफेंस सिक्योरिटी की रहायशगाह पर मौजूद हैं, तो उन्होंने इनके सिर्फ एक आदमी को जो अकबी तरफ था ख़त्म किया और खामोशी से वापस चले आए। हालांकि ये सामने जाकर बाकी अफराद का भी आसानी से खात्मा कर सकते थे, इनके पास बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल भी मौजूद था लेकिन उन्होंने इसे भी इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को भी सिर्फ बेहोश करने पर ही इक्तफा किया और सबसे अहम बात ये कि टॉप रैंक ऑफिसर्स कॉलोनी से 31 स्क्वायर जहाँ लेबॉरेटरी है जाने और कार्रवाई मुकम्मल करने की बजाय इमरान साहिब हमारे साथ यहाँ वापस आ गए और अब यूँ इत्मीनान से बैठे मजाक कर रहे हैं जैसे उन्होंने मिशन मुकम्मल कर लिया हो। इन सारी बातों को सामने रख कर अगर तजिया किया जाए तो यही नतीजा निकलता है कि इनके जेन में कोई ऐसा प्लान है जिसकी मदद से ये सेंड्रेला लेबॉरेटरी में गए बगैर फार्मूला या इसकी कापी हासिल कर सकते हैं, कैप्टन शकील ने इंतहाई संजीदगी से अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। तो सबके चेहरों पर हैरत के तासरात उभर आए। शायद इन्हें पहले इस बात पर हैरत हुई थी कि कैप्टन शकील जैसे जहीन आदमी ने क्यों ऐसी अहमकाना बात कर दी है, लेकिन अब इसकी वजाहत के बाद
इनके चेहरों पर इसलिए मजीद हैरत के तासरात उभर आए थे कि कैप्टन शकील ने वाकई इंतहाई बेहतरीन तजिया किया था। तुम्हारी बात वाकई काबिल गौर है, लेकिन यह मुमकिन कैसे हो सकता है, जूलिया ने कहा। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो सब बे इख्तियार उछल पड़े। इस वक्त ये किसका फ़ोन हो सकता है, जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। फ़ौरन एजेंट रिजर्व का होगा, कैप्टन शकील ने फ़ौरन ही जवाब दिया। अरे ये मिशन तो मुकम्मल करने दो, तुमने पहले ही एक्सीलेटर को दबा दिया है, इमरान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो सब बे इख्तियार हंस पड़े। फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और साथ ही इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। रिचर्ड बोल रहा हूँ मिस्टर माइकल, दूसरी तरफ से रिचर्ड की आवाज़ सुनाई दी। जी फरमाइए जनाब, क्या रिपोर्ट है स्टॉक एक्सचेंज के ताज़ा रेट्स के मुतल्लिक और क्या उतार चढ़ाव हैं, इमरान ने कहा। सॉरी मिस्टर माइकल, स्टॉक एक्सचेंज का रेट बहुत ऊंचा जा रहा है, दूसरी तरफ से कहा गया। कोई रास्ता, इमरान ने कहा। नो सर, कोई रास्ता नहीं है, अलबत्ता सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि एडवांस केमिकल्स आज रात तक स्टॉक एक्सचेंज से आउट रहेगा, अलबत्ता कल सुबह वो भी स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो जाएगा, रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। ओके आफस का पता बताओ, इमरान ने पूछा। आफस का तो इलम नहीं हो सका, अलबत्ता इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर लेडी हेलेना की रहाइश का साउथ वेस्टर्न रोड पर सनशाइन प्लाजा में है, फ्लैट नंबर 17, रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। ओके ठीक है, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। बड़े ताजराना किस्म के कोड बना रखे हैं तुमने, जूलिया ने कहा। यह बैन अल-अक़वामी ताजरों का मुल्क है, इसलिए यहाँ तजारत के बगैर कोई सोचता ही नहीं। बहरहाल अब चूँकि मामला एक लेडी का है, इसलिए तुम मेरे साथ जा सकती हो, अब तुम्हें साथ ले जाने में मुझे कोई मजबूरी नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह लेडी क्या साइंसदान है इमरान साहिब, सफदर ने कहा। नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब है कि वह इस लेबॉरेटरी की इंतजामिया में शामिल है और छुट्टी पर आई हुई है, कल सुबह वापस लेबॉरेटरी चली जाएगी, इमरान ने बातचीत की वजाहत करते हुए कहा। तो आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं, सफदर ने कहा। मैं कोई चोर रास्ता मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि लॉर्ड बोफेमैन को सब कुछ मालूम है और मैं इन्हें सबक देना चाहता हूँ, और डिफेंस सेक्रेटरी सिर्फ सेक्रेटरी ही थे, इन्हें ना वहाँ के कंप्यूटर के बारे में कुछ मालूम था और ना ही लेबॉरेटरी के अंदरूनी फ़ोन नंबर का। इनका रबता वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर से था, जो हमारे लिए बेकार है, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि मेरे सारे ऑप्शंस गलत थे, कैप्टन शकील ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। नहीं, तुमने दुरुस्त सोचा था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि अगर मैं ये ऑप्शन सोच सकता हूँ तो कोई दूसरा भी सोच सकता हूँ, इमरान ने कहा और सब बे इख्तियार हंस पड़े। क्या अभी वहाँ जाना होगा, जूलिया ने कहा। नहीं, रात को चलेंगे, इमरान ने उठते हुए कहा। तुम लोग चाहो तो आराम कर लो, इमरान ने अपने साथियों से कहा। हमें इस वक्त वाकई आराम की ज़रूरत है, लेकिन तुम क्या करोगे, जूलिया ने पूछा। कुछ नहीं, तुम सब उर्दू में आराम करो, मैं अंग्रेज़ी में रेस्ट करता हूँ, इमरान ने सादा से लहजे में कहा। तो वह सब बे इख्तियार मुस्करा दिए। सनशाइन प्लाजा 4 मंजिला बिल्डिंग थी। ये पूरी बिल्डिंग रहायशी फ्लैट्स पर मुश्तमिल थी। फ्लैट्स लग्जरी थे, इसलिए तमाम फ्लैट्स 4-4 कमरों पर मुश्तमिल और साउंड प्रूफ थे। इसके साथ साथ इनमें जदीद दौर की तमाम सहूलियात मौजूद थीं। सनशाइन प्लाजा के फ्लैट नंबर 17 में लेडी हेलेना की रहायश थी। वो सिंड्रेला लेबॉरेटरी में ऑफिस सुपरिटेंडेंट थी और लेबॉरेटरी के तमाम इंतजामी मामलात इसके हाथ में थे। इसके साथ 2 लड़कियां और भी काम करती थीं। ये लेबॉरेटरी ज़ेर ज़मीन थी और वहाँ इंतहाई सख्त तरीन हफाजती इंतजाम थे। लेबॉरेटरी के अंदर भी कमरे मखसूस थे, लेकिन मुसलसल ज़ेर ज़मीन रहने की वजह से इनकी तबीयत जब बोझल हो जाती तो इन्हें कानूनन 1 हफ्ते की रुख्सत मिल जाती थी, ताकि वो 1 हफ्ते के लिए वहाँ से निकल कर खुली फ़जा में रह सकें। लेडी हेलेना अधेड़ उम्र औरत थी और इंतहाई बेबाक और आज़ाद ख्याल समझी जाती थी। इसने अब तक इसलिए शादी ना की थी कि वह शादी को एक फजूल बंधन समझती थी। अधेड़ उम्र होने के बावजूद इसने अपने आप को इस तरह फिट रखा हुआ था कि वह भरपूर जवान नज़र आती थी। यही वजह थी कि वह सिंड्रेला लेबॉरेटरी के तमाम नौजवान साइंसदानों में बेहद मकबूल थी। इसकी मकबूलियत में इसकी जिस्मानी फिटनेस के साथ साथ इसलिए इसे बता दिया गया था कि इसे लेबॉरेटरी से बाहर ताल्लुकात बनाने से ग्रेज करना है। यही वजह थी कि वो अपने फ्लैट पर किसी को भी मधु ना करती थी। अलबत्ता जब वो लेबॉरेटरी से बाहर होती थी तो फिर इसका ज़्यादा वक्त क्लबों में ही गुजरता था और रात गए वो वापस फ्लैट में आती थी। इस वक्त लेडी हेलेना अपने फ्लैट में बैठी शराब पीने में मसरूफ़ थी, क्योंकि कल इसने लेबॉरेटरी वापस जाना था और इसे अब वहाँ से छुट्टी तकरीबन 1 माह बाद मिलनी थी, इसलिए वह इस आदत को भरपूर अंदाज में इंजॉय करना चाहती थी। यही वजह थी कि इसने लेबॉरेटरी के असूलों से हटकर एक दोस्त को यहाँ आने की दावत दे रखी थी
और इसके इंतज़ार में बैठी शराब पी रही थी कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। तो इसने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, हेलेना बोल रही हूँ। हलेडी हेलेना ने बड़े सरीले से लहजे में कहा। लेबॉरेटरी से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सिकार्नो बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बड़ी सर्द और कदरे तुमकाना आवाज़ सुनाई दी तो लेडी हेलेना बे इख्तियार चौंक पड़ी, क्योंकि सिकार्नो भी इसके मदाओं में शामिल था और इसने आज से पहले कभी इससे इस तरह सख्त, सर्द और अजनबी लहजे में बात ना की थी। क्या बात है, तुम्हारा अंदाज़ बड़ा अजनबी सा है, लेडी हेलेना ने कहा। लेडी हेलेना, लेबॉरेटरी में टॉप एमरजेंसी नाफस हो चुकी है। सरकारी एजेंसी अजहाडम ने अब लेबॉरेटरी की हिफाजत का इंतज़ाम संभाल रखा है और हर आने जाने वाले पर पाबंदी लगा दी है। तुमने चूंकि सुबह छुट्टी गुजार कर लेबॉरेटरी वापस आना है, इसलिए अजहाडम एजेंसी के चीफ मार्शल ड्रेले तुमसे बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से उसी तरह सर्द लहजे में कहा गया। ओ, ऐसा क्यों हुआ है, लेडी हेलेना ने हैरत भरे लहजे में कहा। लेबॉरेटरी पर पाकशाही एजेंटों के हमले का खतरा है, दूसरी तरफ से सिकार्नो ने जवाब देते हुए कहा। ओ ठीक है, कराओ बात मार्शल ड्रेले से, लेडी हेलेना ने कहा। हेलो, मैं मार्शल ड्रेले बोल रहा हूँ चीफ ऑफ। चंद लम्हों बाद एक बारी सी आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाला तेज़ तेज़ अंदाज में बात कर रहा था, जैसे इसे फिक्रा मुकम्मल करने की बेहद जल्दी हो। यस सर, मैं हेलेना बोल रही हूँ, लेडी हेलेना ने कहा। लेडी हेलेना, ये बताएं कि क्या आप फ्लैट में अकेली रहती हैं या आपके साथ कोई और भी रहता है, दूसरी तरफ से पूछा गया। जी, मैं अकेली रहती हूँ, हेलेना ने जवाब दिया। आपके बारे में कितने अफराद को इल्म है कि आप लेबॉरेटरी में काम करती हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। जी, बहुत से लोगों को इल्म होगा, ये कोई जुर्म तो नहीं है, लेडी हेलेना ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने आपका सर्विस रिकॉर्ड देखा है, आप बड़े तहील अरसे से इस लेबॉरेटरी में काम कर रही हैं, मार्शल ड्रेले ने कहा। जी हाँ, मैं तकरीबन शुरू से ही इस लेबॉरेटरी में काम कर रही हूँ और मुझे काम करते हुए काफ़ी वक्त हो गया है, हेलेना ने कहा। गुड, तब तो आपको यह भी मालूम होगा कि यह लेबॉरेटरी किस इंजीनियर ने बनाई थी, मार्शल ड्रेले ने कहा। जी नहीं, मुझे कैसे मालूम हो सकता है, मेरा इससे क्या ताल्लुक, लेना ने कहा। लेकिन आपको इसके स्पेशल और खुफिया रास्तों का तो इल्म होगा, मार्शल ड्रेले ने कहा। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं जनाब, कौन सा स्पेशल और कौन सा खुफिया रास्ता, एक ही तो रास्ता है जिससे सब आते जाते हैं, हेलेना ने इस बार कदरे घसीले लहजे में कहा। ओके, आपकी छुट्टी मजीद बढ़ाई जा रही है, अब आपने इस वक्त तक लेबॉरेटरी में नहीं आना जब तक आपको इस बारे में बाकायदा इतला ना दी जाए, मार्शल ड्रेले ने कहा। ओ, लेकिन क्यों, हेलेना ने बे इख्तियार उछलते हुए कहा। इसलिए कि आपके रूप में दुश्मन भी लेबॉरेटरी में दाखिल हो सकते हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। मेरे रूप में, लेकिन ये कैसे हो सकता है, लेडी हेलेना ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा। आप ये बातें नहीं समझ सकती, बहरहाल आपने मेरी बात सुन ली है और आप इस पर अमल करेंगी, दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो हेलेना ने एक तहील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अलबत्ता इसके चेहरे पर इत्मीनान और मसरत के तासरात उभर आए थे, क्योंकि एक लिहाज से इसे कुछ अरसा मजीद लेबॉरेटरी से बाहर क्याम का मौका मिल गया था, लेकिन वह सोच रही थी कि ये पाकशाही एजेंट कौन हो सकते हैं और वो क्यों लेबॉरेटरी पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है ये बात इसकी समझ में ना आ सकती थी, इसलिए इसने सोचना छोड़कर शराब के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी और वो चौंक पड़ी। ओ, डेसोजा आ गया है, चलो अच्छा है, लेडी हेलेना ने कहा और उठकर तेज़ी से बरौने दरवाजे की तरफ बढ़ गई। डिसोजा इसका वो दोस्त था जिसका वो इंतज़ार कर रही थी, और चूँकि डिसोजा के अलावा किसी की आमद का इसके जहन में कोई तसव्वुर ही न था, इसलिए इसने डोर फोन के ज़रिए पूछने की ज़रूरत ही न समझी थी और सीधी जाकर दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन दूसरे लम्हे वो बे इख्तियार उछल पड़ी। सामने एक मकामी लड़की, हम सरकारी आदमी हैं, इमरान ने कहा, तो वह दरवाजे से एक तरफ हट गई। तो इमरान और जूलिया अंदर दाखिल हो गए। हेलेना ने इनके हकम में दरवाज़ा बंद करके इसे लॉक कर दिया। आओ इधर ड्राइंग रूम में आ जाओ, इसने साइड का दरवाज़ा खोलकर एक तरफ हटते हुए कहा। तो इमरान और जूलिया अंदर दाखिल हो गए। इनके हकम में हेलेना भी अंदर आ गई। तुम्हें किसके आने की तवक्का थी, इमरान ने कहा। तो लेडी हेलेना से इख्तियार चौंक पड़ी। इसके चेहरे पर यकलकत हल्के से खौफ के तासरात उभर आए थे। किसी की नहीं, यहाँ फ्लैट पर कोई नहीं आता, हेलेना ने होंठ चबाते हुए कहा। अगर किसी ने आना था तो बेहतर है कि फ़ोन करके इसे रोक दो, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, इमरान ने कदरे सर्द लहजे में कहा। तो हेलेना चंद लम्हे खामोश बैठी रही, फिर इसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हेलेना बोल रही हूँ, डिसोजा मौजूद है या नहीं, हेलेना ने कहा।
और फिर वह दूसरी तरफ की बात सुनने लगी। बात कराओ इससे, इसने जवाब देते हुए कहा। हेलो डिसोजा, मैं हेलेना बोल रही हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। तुम अब फ्लैट पर नहीं आओगे समझे, कल मैं खुद तुमसे मिलूँगी, हेलेना ने तेज लहजे में कहा। हाँ अभी मैं यही हूँ, छुट्टी मजीद बढ़ गई है। ठीक है, कल मुलाकात होगी, गुड बाय, हेलेना ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। तुम क्यों आए हो, हेलेना ने इस बार कदरे इत्मीनान भरे लहजे में सामने बैठे हुए इमरान और जूलिया से मुखातब होकर कहा। तुम सिंड्रेला लेबॉरेटरी में काम करती हो, इमरान ने कहा। हाँ, और मैंने अभी बताया है कि तुम्हारे चीफ मार्शल रेले ने मुझसे बात की है, इसने मुझसे सवालात पूछे हैं। फिर तुम क्यों आ गए हो, हेलेना ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या बातें हुई हैं, अगर बता दो तो हम वापस चले जाते हैं। हालांकि मार्शल रेले ने हमें यही हुक्म दिया था कि तुमसे तफसीली पूछ-पूछ की जाए, क्योंकि सुबह तुमने वापस लेबॉरेटरी जाना है, इमरान ने कहा, जबकि जूलिया खामोश बैठी हुई थी। मैं बता देती हूँ ताकि तुम्हारी तसल्ली हो जाए, हेलेना ने कदरे उकताए हुए लहजे में कहा। और फिर इसने मार्शल ट्रेले से फ़ोन पर होने वाली बातचीत के साथ साथ इन्हें यह भी बता दिया कि इसे ड्यूटी पर हाजिर होने से ता इतला सानी रोक दिया गया है। तो तुमने मार्शल ट्रेले से गलत बयानी की है, क्यों, इमरान ने यकलकत उखड़े हुए लहजे में कहा। तो हेलेना बे इख्तियार उछल पड़ी। गलत बयानी, क्या क्या मतलब, कैसी गलत बयानी, हेलेना ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैडम हेलेना, जैसा कि चीफ मार्शल रेले ने तुम्हें बताया है कि मामलात इस वक्त बेहद नाजुक हैं, पाकशाही एजेंट लेबॉरेटरी को तबाह करना चाहते हैं और हमें इतला मिल चुकी है कि तुम लेबॉरेटरी में शुरू से काम कर रही हो और तुम्हें इसके खुफिया रास्ते को बारे में इलम भी है, लेकिन अब तुम इनकार कर रही हो, इसका मतलब है कि तुम मुल्क से गद्दारी कर रही हो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। नहीं नहीं, मुझे वाकई किसी खुफिया रास्ते के बारे में मालूम नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, लेडी हेलेना ने खौफ भरे लहजे में कहा। अगर सच बोल रही हो तो फिर खौफजदा क्यों हो, इमरान ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। नहीं मैं खौफजदा नहीं हूँ, लेडी हेलेना ने फौरन संभल कर कहा। ओके, तुम्हारी गलत बयानी तुम्हारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, इमरान ने एक झटके से उठते हुए कहा और इसके साथ ही जूलिया भी उठ खड़ी हुई। मैं सच कह रही हूँ, हेलेना ने भी उठते हुए कहा और इसके साथ ही इमरान ने कदम बढ़ाया। दूसरे लम्हे इसका बाजू बिजली की तेज़ी से घुमा और हेलेना चीखती हुई उछल कर साइड पर गिरी। कनपट्टी पर पड़ने वाली मुड़ी हुई उंगली की एक ही ज़रब इसके लिए काफ़ी साबित हुई, वो बेहोश हो चुकी थी। अब इसे बांधना है और यहाँ खिड़कियों पर पर्दे भी नहीं हैं और रस्सी भी यकीनन यहाँ मौजूद नहीं होगी, इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा। क्या ज़रूरत है इसे बांधने की, हाँ भाग कर जाएगी, जूलिया ने कहा। और फिर इमरान ने झुक कर कालीन पर बेहोश पड़ी हुई लेडी हेलेना को बाजू से पकड़कर एक झटके से उठाकर एक सोफे की कुर्सी पर डालते हुए कहा और इसके साथ ही इसने अपनी बेल्ट उतार दी। और फिर जूलिया ने लेडी हेलेना के दोनों हाथ इसके अकम में किए तो इमरान ने बेल्ट की मदद से इसकी कलाइयां बांध दी। बोलने पर इसे आमादा मैं करूंगी, तुमने सिर्फ सवाल करने हैं, जूलिया ने कहा। सच कहते हैं बुजुर्ग कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। बकवास मत करो, वक़्त हमारे पास बहुत कम है, जूलिया ने हेलेना का मुंह और नाक दोनों हाथ से बांध करते हुए कहा। जितना कम है इतना मुझसे ले लो, मैं वक्त का ज़खीरा अंदोज हूँ, इमरान ने कहा। तो जूलिया इसकी बात का जवाब देने की बजाय लेडी हेलेना की तरफ मतवज्जा हो गई। इसने लेडी हेलेना के मुंह और नाक पर दोनों हाथ रख दिए। जब लेडी हेलेना के जिस्म में होश आने के आसार नज़र आने लग गए तो जूलिया ने हाथ हटाए और तेज़ी से मुड़कर इसने एक तरफ रैक में पड़ी हुई शराब की बड़ी सी बोतल उठाई और वाशरूम की तरफ बढ़ गई। इमरान लेडी हेलेना के सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। ये तुमने क्या किया, लेडी हेलेना ने होश में आते ही लाशोरी तौर पर उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अकम में हाथों के बंधे होने की वजह से वो तोज़न बरकरार ना रख सकी और दोबारा बैठ गई। तुम्हारी हम जनस तुम्हारे मुँह से सच सुनना चाहती है, इमरान ने मुस्कराते हुए कहा। उसी लम्हे वाशरूम का दरवाज़ा खुला और जूलिया बाहर आ गई। इसके हाथ में बोतल थी लेकिन इसका पैंदा टूटा हुआ था और खौफनाक अंदाज में किरचियाँ पिरछियों की तरह बाहर को निकली हुई नज़र आ रही थी। जब जूलिया ने बोतल उठाई थी तो इसी वक्त इमरान समझ गया था कि जूलिया क्या करना चाहती है। मामम, मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं, हेलेना ने कहा। मैं तो जानता हूँ तुम्हारी हम जिनस नहीं जानती, इसे मनवा सकती हो तो मनवा लो, इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। अब इसे सच बोलना ही पड़ेगा वरना, जूलिया ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने बर्छियों की सूरत में टूटी हुई बोतल इसकी गर्दन पर इस तरह रख दी कि अगर वह ज़रा सा दबाव डालती तो यकीनन तेज़ दहार शीशे की करचियाँ हेलेना का गला इस तरह काट देती जैसे तार से साबुन कटता है। बोलो वरना, जूलिया ने ज़रा सा दबाव बढ़ाते हुए कहा। बताती हूँ, मत मारो मुझे, मैं बताती हूँ।
हमसे हलफ लिया गया था कि हम किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। इसे हटाओ, हटाओ प्लीज़, हेलेना ने इंतहाई खौफजदा से लहजे में कहा। इसकी हालत वाकई इन किरचियों की वजह से इंतहाई ख़राब नज़र आ रही थी। बकवास मत करो, बताओ, जूलिया ने गराते हुए कहा। तो हेलेना ने इस तरह बोलना शुरू कर दिया जैसे टेप रिकॉर्ड चल पड़ता है। और फिर इमरान ने इससे सवालात करके ना सिर्फ खुफिया रास्ते के बारे में तमाम तफसील मालूम कर ली, बल्कि लेबार्ट्री के अंदरूनी हिस्से के बारे में भी सारी तफसील मालूम कर ली। गुड, अब इसे हाफ ऑफ कर दो, इमरान ने जूलिया से कहा। तो जूलिया ने हाथ पीछे हटाया और अभी हेलेना इत्मीनान भरा सांस ले ही रही थी कि जूलिया का हाथ बिजली की से तेज़ी से घूमा। तो हेलेना के हलक से वे इख्तियार करबनाक चीख निकली और इसका सर एक तरफ को ढिलक गया। जूलिया ने भी मुड़ी हुई उंगली का हुक इसकी इस कनपट्टी पर मारा था जिस पर पहले ही इमरान ने मुड़ी हुई उंगली की ज़रब लगाई थी, इसलिए एक ही ज़रब से वो दोबारा बेहोश हो गई थी। जूलिया ने टूटी हुई बोतल एक तरफ पड़ी हुई टोकरी में उछाल दी। इसे ज़िंदा रखने की ज़रूरत नहीं, इसने होश में आते ही वहाँ फ़ोन कर देना है, जूलिया ने कहा। अभी कुछ मालूमात मबम है, इसलिए इसका ज़िंदा रहना ज़रूरी है, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही इसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इसने लेबार्ट्री के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सिकारनो का फ़ोन नंबर हेलेना से मालूम कर लिया था। यस, रब्ता कायम होते ही एक सख्त सी आवाज़ सुनाई दी। हेलेना बोल रही हूँ, इमरान के मुंह से हेलेना की आवाज़ निकली। अंदाज बड़ा लाड़ भरा था और जूलिया ने वे इख्तियार होन पिंच लिए। यस, मार्शल ड्रेले बोल रहा हूँ, क्यों फ़ोन किया है, दूसरी तरफ से तेज़ तेज़ लहजे में कहा गया। वो मैंने सिकारनों से बात करनी है, इमरान ने कहा। क्या बात करनी है, मुझे बताओ, मार्शल ड्रेले ने उसी तरह तेज़ लहजे में कहा। इसने मुझे हुक्म दिया हुआ है कि मैं बगैर इसकी इजाज़त के दारालहुकूमत से बाहर ना जाऊँ, लेकिन अब जबकि मुझे तहील रुख्सत मिल गई है तो मैं एक्रेमिया जाना चाहती हूँ, इमरान ने कहा। ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, मार्शल ड्रेले ने कहा। ओके, शुक्रिया, इमरान ने हेलेना के लहजे में कहा और इसके साथ ही रिसीवर रख दिया। इस बात का हमें क्या फ़ायदा होगा, जूलिया ने कहा। सिकारनो लाजमन जानता होगा कि हेलेना को खुफिया रास्ते का इलम है, इन लोगों ने चूँकि हलफ उठाया हुआ है कि इस बात से इनकार करेंगे, इसलिए इस सिकारनो ने भी यकीनन मार्शल ड्रेले को इस खुफिया रास्ते के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। लेकिन अगर इस औरत को ज़िंदा छोड़ दिया जाए तो इसने लाजमन सुबह को फ़ोन करके हमारे बारे में बता देना है, और अगर हम इसे हलाक कर देते तो जाहिर है इसकी लाश के बारे में इतला इन्हें दी जाती और इस तरह मामला ख़राब हो जाता। अब अगर ये फ्लैट से गायब हो जाएगी तो जाहिर है यही समझा जाएगा कि ये एक्रेमिया चली गई है, इमरान ने कहा। लेकिन ये गायब कैसे होगी, क्या तुम इसे उठाकर पार्किंग तक ले जाओगे, ये कैसे हो सकता है, जूलिया ने कहा। यहाँ कोई ना कोई फ्लैट खाली होगा, हम इसकी लाश वहाँ डाल देंगे, हमें सिर्फ कल शाम तक का वक़्त चाहिए और वो मिल जाएगा, इमरान ने कहा। ओ, लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि कौन सा फ्लैट खाली है, जूलिया ने कहा। जिस फ्लैट के दरवाजे पर कार्ड मौजूद नहीं होगा वो फ्लैट खाली होगा, और मास्टर की मेरे पास मौजूद है, तुम बाहर जाओ और खाली फ्लैट चेक करके इसका दरवाज़ा खोल लाओ ताकि इसे वहाँ शिफ्ट किया जा सके, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही इसने कोट की अंदरूनी जेब से एक मखसूस अंदाज में मुड़ी हुई तार निकाल कर जूलिया की तरफ बढ़ा दी, और जूलिया सर हिलाती हुई बरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इमरान कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर वो लेडी हेलेना के फ्लैट की तलाशी लेने में मसरूफ़ हो गया। मार्शल ड्रेले चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के ऑफिस में कुर्सी पर बड़े अखड़े हुए अंदाज में बैठा हुआ था, मगर इसके चेहरे पर ऐसे तासरात थे जैसे वह ज़हनी तौर पर किसी मखमसे में मुबतला हो। कि दरवाज़ा खुला और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सिकारनो अंदर दाखिल हुआ। आपने मुझे बुलाया है, सिकारनो ने कहा। हाँ बैठो, मैंने तुमसे चंद ज़रूरी बातें करनी हैं, मार्शल ड्रेले ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, फरमाइए, सिकारनो ने मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्योंकि मेज़ के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर मार्शल ड्रेले खुद बैठा हुआ था, क्योंकि अब वो यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज बन चुका था। लेडी हेलेना से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं, मार्शल ड्रेले ने कहा। तो सिकारनो बेइख्तियार चौंक पड़ा। ताल्लुकात, कैसे ताल्लुकात, सिकारनो ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा। इसने अभी तुम्हें फ़ोन किया था, इसने तुम्हारा नाम लेकर जिस लहजे में बात की थी इससे ज़ाहिर होता है कि तुम्हारे और इसके दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं, और ये कोई मायूब बात नहीं है, अलबत्ता मैं अपनी बात की तस्दीक करना चाहता हूँ, मार्शल ड्रेले ने मुस्कराते हुए कहा। वो इंतहाई बेबाक और खुले दिल की औरत है जनाब, और यहाँ मुझसे ही नहीं साइंसदानों से भी इसके गहरे ताल्लुकात हैं, सिकारनो ने कहा। इसीलिए वो तुमसे दारालहुकूमत से बाहर जाने की इजाज़त मांगना चाहती थी, जो शायद यहाँ मुश्किल मिलती होगी, लेकिन मैंने इसे इजाज़त दे दी है, मार्शल ड्रेले ने कहा। दारालहुकूमत से बाहर क्यों, कहाँ,
शिकारियों ने चौंक कर कहा, वो कह रही थी कि वह एक रेनिया जाना चाहती है। मार्शल ड्रिले ने कहा, ये कैसे हो सकता है? शिकारियों ने कहा। तो मार्शल ड्रिले भी इख्तियार चौंक पड़ा, क्यों, क्या मतलब, क्यों नहीं हो सकता? मार्शल ड्रिले ने हैरत भरे लहजे में कहा, जनाब मैं इसकी फितरत से वाकफ हूँ, वो कहीं आने जाने की कायल नहीं है। मैंने इसे कई बार कहा था कि वह चाहे तो लेबॉरेटरी के खर्च पर सेहत के लिए कहीं भी जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ इसके लिए बाकायदा फंड मिलता है और सब इससे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इसने कभी इससे फ़ायदा नहीं उठाया। इसकी तबीयत ही ऐसी है, वो तो बस मर्दों, क्लबों और शराब की रसिया है, और इसके अलावा वो सिर्फ क्रॉस के मर्दों को ही पसंद करती है। अलबत्ता ये हो सकता है कि वो अपने साथ यहाँ से किसी को ले जा रही हो, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आपने इसे छुट्टी दी है, और इतनी जल्दी इसने ये इंतज़ाम कैसे कर लिया? शिकारियों ने कहा। तो मार्शल ड्रिले पे इख्तियार हंस पड़ा, ये ऐसी कौन सी बात है, इसने किसी को फ़ोन करके प्रोग्राम बना लिया होगा। अलबत्ता अगर तुम्हें इस बात पर गुस्सा है कि वो तुम्हें साथ नहीं ले जा रही, तो अगर तुम भी इसके साथ जाना चाहो तो जा सकते हो, मार्शल ड्रिले ने कहा। आप चूंकि इसके फितरी रुझान को नहीं जानते, इसलिए आपके लिए अहम बात नहीं है, लेकिन मैं चूंकि इसके फितरी रुझान को जानता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये ऐसा है जैसे कोई दिन को रात कह दे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इससे बात कर लूँ, शिकारियों ने कहा। हाँ कर लो, इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? मार्शल ड्रिले ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। वो शायद शिकारियों की बातों से बेजारी सी महसूस कर रहा था, क्योंकि शिकारियों की बात किसी तरह भी इसके हलक से ना उतर रही थी। शिकारियों ने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए, लेकिन दूसरी घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती रही और किसी ने रिसीवर ना उठाया। वो शायद सो गई है, मार्शल ड्रिले ने कहा। वो सो भी गई है तो घंटी की आवाज़ सुनकर उठ जाती है, शिकारियों ने कहा, और इसके साथ ही इसने क्रेडल दबाया और फिर टून आने पर इसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। आप नाइट ड्यूटी पर हैं? मैं लेडी हेलेना का दोस्त शिकारियों बोल रहा हूँ, लेडी हेलेना फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। 31 स्क्वायर एक वसी और इंडस्ट्रियल इलाका था, यहाँ हर तरफ छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ फैली हुई थी। अलबत्ता इस पूरे इलाके के गिर्द बाकायदा चार दीवारी बनाई गई थी और 31 स्क्वायर में दाखिल होने वाले रास्ते पर बाकायदा चेक पोस्ट बनी हुई थी, ताकि कोई गैर मुतलका आदमी इस इलाके में दाखिल ना हो सके, क्योंकि कोई भी शर पसंद यहाँ किसी भी फैक्ट्री को अगर बम से उड़ा देता तो ना सिर्फ सैकड़ों अफराद हलाक हो सकते थे, बल्कि करोड़ों डॉलर्स की एक इंतहाई कीमती मशीनरी भी तबाह हो सकती थी। इसलिए हुकूमत की तरफ से इस इलाके की बाकायदा चार दीवारी बनाई गई थी। चार दीवारी के ऊपर खारदार तार भी नस्ब थी और चेक पोस्ट में कंप्यूटर नस्ब थे, जिनमें से इस पूरे इलाके में काम करने वाले अफराद की बाकायदा फीडिंग की गई थी, और हर आदमी चाहे वो वर्कर हो या अफसर, इसे कार्ड जारी किया गया था। ये कार्ड बाकायदा पंच किया जाता था और फिर इस आदमी को जाने की इजाज़त दी जाती थी, और इजाज़त मिलने के बाद हर आदमी को चाहे वो पैदल होता या किसी सवारी पर एक मखसूस बंद रास्ते से गुजरना पड़ता था, जहाँ फर्श, दीवारों और छत पर खसूसी चेकिंग मशीनें नसब थी जो हर किस्म के असला को चेक कर सकती थी, और अगर किसी भी किस्म का असला किसी के पास होता तो अलार्म बज उठते और इस आदमी को रोक लिया जाता था। सिंड्रेला लेबॉरेटरी भी इस एरिया के अंदर थी, ऊपर बाकायदा एक फैक्ट्री थी जिसमें बाकायदा काम होता रहता था, जबकि सिंड्रेला लेबॉरेटरी इस फैक्ट्री के नीचे ज़ेर ज़मीन बनाई गई थी। इसका मेन रास्ता फैक्ट्री में से ही था, अलबत्ता एक दूसरा रास्ता था जो फैक्ट्री के अकम में वाक़या वसी खुले मैदान में मौजूद दरख्तों के एक झुंड में जा निकलता था। ये रास्ता अंदर से ही खोला और बंद किया जा सकता था, और ये रास्ता बाहरी मशीनरी और कसीर तादाद में खाम माल लेबॉरेटरी में ले जाने और ले आने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब चूंकि ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत ना रही थी, इसलिए तहील अरसे से इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था, और लेबॉरेटरी में काम करने वाले अफराद से बाकायदा हलफ लिया गया था कि वो किसी भी सूरत इस खुफिया रास्ते का इकरार नहीं करेंगे। यही वजह थी कि लेडी हेलेना ने फ़ोन पर मार्शल ड्रिले को इस बारे में बताने से साफ इनकार कर दिया था, और फिर इसने इमरान को भी हत्तल वसी ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि ऐसा कोई रास्ता सिरे से मौजूद ही नहीं है, लेकिन इमरान इसके अंदाज़ से ही समझ गया था कि बहरहाल ऐसा रास्ता मौजूद है और लेडी हेलेना झूठ बोल रही है। इसलिए इसने जूलिया को असलियत गुलवाने का टास्क दे दिया था, और जूलिया ने इंतहाई जानत से बोतल के टूटे हुए पैंदे की पिर्ची बनाकर किर्चियाँ हेलेना के हलक पर रख दी, जिससे सारी हकीकत सामने आ चुकी थी। इमरान अपने साथियों समेत इस वक्त 31 स्क्वायर के अकबी हिस्से से कुछ फासले पर वाकया एक खंडरनुमा इमारत में मौजूद था। लेडी हेलेना से मालूमात मिलने के बाद वो अपनी रहायशगाह पर चले गए थे, और फिर दूसरे दिन इमरान ने आज खुद इस सारे इलाके का जायज़ा ले लिया था, और इसके साथ ही इसने अपने साथियों को असले की खसूसी मार्केट से असला भी खरीद कर दे दिया था,
और फिर रात गहरी होने पर वो सब फाइनल राउंड के लिए तैयार होकर यहाँ पहुँचे थे। इमरान साहिब, आप दिन को यहाँ का जायज़ा ले चुके हैं, क्या अंदर जाने का कोई रास्ता भी मौजूद है या दीवार और खारदार तारें फलांगना पड़ेंगी? सफदर ने कहा, यहाँ से कुछ फासले पर एक खुफिया रास्ता है। ये रास्ता दीवार के साथ ज़मीन पर बनाया गया है और इसे बंद करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर रख दिया गया है, इसलिए जब तक खसूसी जायज़ा ना लिया जाए ये रास्ता मालूम नहीं हो सकता। इमरान ने कहा, आपने कैसे चेक कर लिया? सफदर ने कहा, मुझे इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले वर्करों की नफसियात का इलम है। ये लोग किसी तरह भी चोरी से बाज नहीं आते और चेक पोस्ट के रास्ते ये कोई चीज़ बाहर नहीं ले जा सकते, इसलिए ऐसे रास्ते बहरहाल ऐसी जगहों पर मौजूद रहते हैं और हर जगह एक जैसे अंदाज में ही बनाए जाते हैं ताकि इंतज़ामिया को इसके बारे में इलम ना हो सके। इस नुक्ते नज़र को सामने रख कर जब जायज़ा लिया जाए तो फिर ऐसे रास्ते नज़र आ जाते हैं, इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। इमरान साहिब, अगर मार्शल ट्रेले को लिबार्ट्री के इस खुफिया रास्ते के बारे में इलम हो गया तो ला महल्ला इसने हमारे खिलाफ वहाँ ट्रेप बचाया हुआ होगा। कैप्टन शकील ने कहा, यकीनन इसे इलम हो गया होगा क्योंकि अब वो इस लिबार्ट्री की सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार है, इसलिए इसे बाकायदा इस बारे में आगाह किया गया होगा। मैंने इस रास्ते से अंदर जाकर सेंड्रेला लेबार्ट्री के इस खुफिया रास्ते और इसके इर्द गिर्द के इलाके का जायज़ा लिया है। मेरे ख्याल में इस खुफिया रास्ते से अंदर जाना सवाए हमाकत के और कुछ नहीं है, इमरान ने कहा। तो सब बे इख्तियार झोंक पड़े क्योंकि इन सब का यही ख्याल था कि वो यहाँ आए ही इसलिए हैं कि लेबार्ट्री के इस खुफिया रास्ते से अंदर जाकर अपना मिशन मुकम्मल कर सकें। लेकिन अब इमरान की बात सुनकर नहीं मालूम हुआ था कि वह इस रास्ते का आइडिया ड्राप कर चुका है। लेकिन फिर हम किस रास्ते से अंदर जाएंगे? तनवीर ने चौंक कर पूछा। सामने के रास्ते से, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वहाँ तो बाकायदा पैरा होगा, जूलिया ने कहा। तो क्या हुआ, अगर हम पैरादारों से डरते रहे तो फिर मिशन मुकम्मल हो गया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर इधर आने का क्या फ़ायदा, हम चेक पोस्ट से भी ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो सकते थे, तनवीर ने तेज लहजे में कहा। नहीं, इमरान की प्लानिंग दुरुस्त भी है और काबिले अमल भी है। चेक पोस्ट और असल फैक्ट्री के दरमियान काफ़ी फासला होगा, अगर वहाँ फायरिंग होती तो ना सिर्फ लेबार्ट्री को सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती बल्कि इस इलाके की पुलिस भी फौरन वहाँ पहुँच सकती है। जबकि इस खुफिया रास्ते से अंदर जाकर हम सामने के रास्ते से लेबार्ट्री में अंदर दाखिल होंगे तो तेज़ कार्रवाई की बिना पर काम आसानी से और जल्दी मुकम्मल हो सकता है, जूलिया ने इमरान की तायद करने के साथ साथ खुद ही इमरान की आइंदा कार्रवाई का तजिया भी कर दिया। गुड शो जूलिया, यही पॉइंट मेरे जहन में भी था, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहिब, हम आपकी फितरत को अब अच्छी तरह जानने लग गए हैं, आप कभी भी इस तरह बराह रास्त हमला करने का सोच भी नहीं सकते, इसलिए आपके जहन में जो प्लानिंग है वो बता दें, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अरे, कम अज़ कम जूलिया की तारीफ़ करने का मौका तो दे दिया करो, ख्वा मखा दरमियान में टांग अड़ा देते हो, इमरान ने कहा। तो जूलिया का चेहरा यकलकत बिगड़ सा गया। क्या मतलब, क्या तुमने सिर्फ मुझे खुश करने के लिए मेरी बात की तायद कर दी थी, जूलिया ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। अरे नहीं, तुमने तजिया तो दुरुस्त किया है लेकिन इसकी मजीद गहराई के बारे में सफदर पूछ रहा था, वाकई ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बस फिल्मों की तरह फायरिंग करते हुए और घोड़े दौड़ाते हुए अंदर दाखिल हो जाएं और फिर वापसी में भी इसी तरह फायरिंग करते और घोड़े दौड़ाते हुए बाहर चले जाएं, इमरान ने कहा। जाहिर है मैं इतनी भी अहमक नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया है, जूलिया ने और ज़्यादा बिगड़े हुए लहजे में कहा। तो फिर बताओ कि क्या लाए अमल इख्तियार करें, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, इमरान ने कहा। मैं अकेली अंदर जाऊंगी और फिर अंदर बेहोश कर देने वाली गैस का बम फायर करके वहां मौजूद तमाम अफराद को बेहोश कर दूंगी, इसके बाद आप लोग भी अंदर आ जाएंगे और फिर मिशन मुकम्मल कर लिया जाएगा, जूलिया ने कहा। और जो लोग अकबी तरफ से हमारे इंतज़ार में होंगे वो अकब से अंदर आकर हमें सैंडविच बना देंगे, इमरान ने कहा। अब मैं क्या कहूँ, तुमने कोई भी तजवीज़ नहीं माननी, हर तजवीज़ में कीड़े निकालने हैं, इसलिए अब तुम खुद ही बताओ, जूलिया ने इंतहाई जलाए हुए लहजे में कहा। ये सारी रात यहीं बैठा सोचता रहेगा और इसके हमायती सफदर और कैप्टन शकील भी यही काम करेंगे, इसलिए इन्हें यहीं छोड़ो, हम दोनों आगे बढ़कर मिशन मुकम्मल करते हैं, तनवीर ने फौरन ही मौका देकर अपनी खिदमात पेश करते हुए कहा। नहीं, हम सब इकट्ठे ही जाएंगे, अलहदा अलहदा नहीं, जूलिया ने जवाब दिया। तो तनवीर ने बेइख्तियार मुंह बना लिया। इमरान साहिब, आपने साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल और इनके मैगजीन मंगवाए हैं, इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी प्लानिंग ये हो सकती है कि आप पहले सामने के रुख से फैक्ट्री में दाखिल होकर वहाँ मौजूद तमाम लोगों को इन साइलेंसर्स लगे हुए पिस्टल से हलाक करेंगे, इसके बाद आप लिबार्ट्री में जाने के बजाय
अकबी तरफ हमारे इंतज़ार में मौजूद असाडम एजेंसी के अफराद का शिकार खेलेंगे और जब ये सब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप इत्मीनान से लेबार्ट्री में दाखिल होंगे। सफदर ने कहा, नहीं हम कुछ भी कर लें, आवाज़ें बहरहाल अकबी तरफ मौजूद लोगों तक पहुँच जाएंगी और हो सकता है कि फैक्ट्री की छत पर भी आदमी मौजूद हों। असाडम के लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, इसलिए उन्होंने भी हर पहलू को मद्देनज़र रख कर ट्रेपिंग करनी होगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि यहाँ पुलिस ना पहुँचे, वरना हमारी वापसी मुश्किल हो जाएगी, इमरान ने कहा। तो फिर आप ही बताएं कि क्या करना है, सफदर ने कहा। जूलिया और मैं फैक्ट्री में जाएंगे और वहाँ गिरफ्तार हो जाएंगे। जाहिर है वो हमसे दूसरे साथियों के बारे में पूछ गुछ करेंगे, हम इन्हें बताएंगे कि वो अकबी तरफ मौजूद खुफिया रास्ते से अंदर जाने का प्लान बना रहे हैं। इस तरह इनकी पूरी तवज्जा फैक्ट्री से हटकर अकबी तरफ हो जाएगी और तुम लोग अंदर आकर कार्रवाई शुरू कर देना, जबकि जूलिया और मैं अकबी तरफ पहुंचकर इनका खात्मा कर देंगे, इमरान ने कहा। नहीं इमरान साहिब, आपका लहजा बता रहा है कि ये प्लान आपने सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया है, कैप्टन शकील ने कहा। और यह है भी इंतहाई अहमकाना प्लान, तनवीर ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, इमरान की जेब से हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी तो सब बेइख्तियार उछल पड़े। इमरान ने बिजली की तेज़ी से जेब से ट्रांसमीटर निकाला और इसका बटन प्रेस कर दिया। ये 05 ट्रांसमीटर था। हेलो हेलो, रिचर्ड कॉलिंग, ओवर। ट्रांसमीटर से फ़ौरन एजेंट रिचर्ड की आवाज़ सुनाई दी। यस माइकल अटेंडिंग यू, ओवर, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। मिस्टर माइकल, सिंड्रेला लेबार्ट्री के अकबी तरफ 3 अफराद मौजूद हैं, जबकि 2 अफराद फैक्ट्री की छत पर हैं और 4 अफराद फैक्ट्री के सामने वाले हिस्से में मौजूद हैं, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, किस तरह रिपोर्ट हासिल की गई है, ओवर, इमरान ने कहा। स्टार फोकस मशीन के जरिए चेक किया गया है और ये मशीन हेलीकॉप्टर पर रख कर ले जाई गई थी, ओवर, रिचर्ड ने जवाब दिया। ओके थैंक यू, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा। और ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने इसे जेब में डाल लिया। तो तुम्हें इस कॉल का इंतज़ार था, जूलिया ने कहा। हाँ, जब तक अंदर किस वाजिया सूरत हाल का इलम ना हो आगे बढ़ना खुदकुशी के मुतारादफ है, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। तो अब क्या करना है, सफदर ने कहा। मैंने इस फैक्ट्री का दिन में राउंड लगाकर जायज़ा लिया है, असाडम की तमाम तर तवज्जा फ्रंट और अकबी तरफ है, जबकि साइडों की तरफ इसकी तवज्जा नहीं होगी और इस सेंड्रेला लेबार्ट्री वाली फैक्ट्री के शमाल की जानब तकरीबन 200 फौज के फासले पर एक और छोटी फैक्ट्री मौजूद है जिसमें सीमेंट के बड़े बड़े पाइप बनाए जाते हैं। इसमें ज़्यादातर काम मशीनों के जरिए किया जाता है, काम करने वाले अफराद वहाँ बहुत कम हैं। हम इस फैक्ट्री में दाखिल होकर वहाँ मौजूद अफराद का साइलेंसर लगे असले से खात्मा करेंगे। इसके बाद हम इस फैक्ट्री की छत पर पहुंच जाएंगे, वहां से हमने इन 2 अफराद का खात्मा करना है जो सिंड्रेला फैक्ट्री की छत पर मौजूद हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक यही 2 अफराद हो सकते हैं। इनका खात्मा होते ही हम फ्रंट से अंदर दाखिल होंगे और वहां मौजूद 4 अफराद का खात्मा कर देंगे। इसके बाद 2 आदमी वहाँ अकबी तरफ से आने वालों का इंतज़ार करेंगे और बाकी अफराद लेबार्ट्री में दाखिल होंगे। अगर अकबी तरफ के लोग अंदर आएँ तो इनका खात्मा कर दिया जाए, अगर ना आए तो हम अपना मिशन मुकम्मल करके वापस उसी पाइप फैक्ट्री में पहुंचेंगे और फिर वहां से वापसी हो जाएगी। ये सब इसलिए हो जाएगा कि इनका यही ख्याल होगा कि अगर कोई हमला हुआ या लोग आए तो छत पर मौजूद अफराद इन्हें इतला दे देंगे और जब इनकी तरफ से इतला ना मिलेगी तो वो मुतमईन रहेंगे। और अगर इस सारी प्लानिंग के बावजूद इन्हें इलम हो जाता है तो फिर जो होगा बहरहाल देखा जाएगा, इमरान ने कहा। लेकिन इसमें तो काफ़ी रिस्क होगा, अगर हम नज़रों में आ गए तो वो हमें किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। रिस्क लेना ज़रूरी है, अब इसके सिवा तुम बताओ और कौन सा रास्ता बचा है। असाडम एजेंसी हमारे खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुकी है और हमें अब इनकी मौजूदगी में ही अपना मिशन मुकम्मल करना होगा, इमरान ने संजीदगी से कहा। तो सब ने असबात में सर हिला दिए। मार्शल ड्रेले दरख्तों के झुंड से कुछ फासले पर एक चट्टान की ओट में मौजूद था, जबकि मेजर हडसन इससे काफ़ी फासले पर एक और चट्टान की ओट में मौजूद था। यहाँ हर तरफ छोटी बड़ी चट्टानें मौजूद थीं। वैसे ये वसी मैदान था जिसके अंदर दरख्तों का झुंड सा मौजूद था। वहाँ से काफ़ी फासले पर सिंड्रेला लेबार्ट्री और इसके ऊपर बनी हुई फैक्ट्री का अकबी हिस्सा था। मार्शल ड्रेले ने इमरान और इसके साथियों को घेरने और हलाक करने के लिए खसूसी प्लान बनाया था। इसने असाडम के 2 आदमियों को फैक्ट्री की छत पर दूरबीन और ट्रांसमीटर देकर इस अंदाज में बैठा दिया था कि वह दोनों एतराफ़ का मसलसल जायज़ा लेते रहें ताकि इमरान और इसके साथी जिस तरफ से भी फैक्ट्री में आए इन्हें मार्क कर लिया जाए। इसके अलावा 4 अफराद फैक्ट्री के फ्रंट वाले हिस्से की तरफ मौजूद थे, जबकि फैक्ट्री के तमाम वर्करों को छुट्टी दे दी गई थी। हत्ता के सही कारणों
और इसके साथियों को जो पहले सिक्योरिटी से मुतल्लक थे शहर भिजवा दिया गया था, क्योंकि मार्शल ड्रेले को ख़तरा था कि ये लोग इसके प्लान में मुदाखलत कर सकते हैं। इसलिए इस फैक्ट्री के अंदर सिर्फ साडम के 4 अफराद मौजूद थे। चूँकि ये 4 इंतहाई तरबियत याफ्ता थे, इसलिए इसे मालूम था कि वह लोग पूरी फ़ौज से मुकाबला कर सकते हैं। वैसे मार्शल ड्रेले को यकीन था कि इमरान और इसके साथी अकबी तरफ से ही आएंगे और दरख्तों के झुंड में मौजूद खुफिया रास्ते को खोलकर या तबाह करके लेबार्ट्री में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। इसलिए वह खुद मेजर हडसन और एक और साथी के साथ अकबी तरफ खसूसी पॉइंट पर मौजूद था। इसके पास मखसूस फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमीटर मौजूद था ताकि छत पर मौजूद हैरिस और जेरी नाइट टेलीस्कोप से मशकूक अफराद को चेक करते ही इसे अतला दे सके। लेकिन रात काफ़ी गुजर चुकी थी मगर किसी तरफ से भी कोई इतला ना मिल रही थी। अचानक मेजर हेडसन चट्टान की ओर से निकला और तेज़ी से चलता हुआ मार्शल ड्रेले की तरफ आ गया। क्या बात है, क्यों पॉइंट छोड़ा है? मार्शल ड्रेले ने सख्त लहजे में कहा। कर्नल, मेरी छेटी हिस कह रही है कि हमें डाश दिया जा रहा है, ये लोग किसी और सिमत से अचानक हमला करेंगे, मेजर हडसन ने करीब आकर कहा। लेकिन तुम्हारी छठी हिस किस बुनियाद पर ऐसा कह रही है? मार्शल ड्रेले ने मुंह बनाते हुए कहा। बस शमाल की तरफ जो पाइप फैक्ट्री है वहां से मुझे मशीनों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन फिर अचानक खामोशी छा गई। मेरा ख्याल है कि ये लोग इस फैक्ट्री पर कब्जा कर चुके हैं, मेजर हडसन ने कहा। तो मार्शल ड्रेले बे इख्तियार चौंक पड़ा। फैक्ट्री पर कब्जा कर चुके हैं, क्या मतलब? लेकिन इस फैक्ट्री और लेबार्ट्री के दरमियान 250 गज का फासला है और दरमियान में खुला मैदान है और छत पर हैरिस और जेरी बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं और इस पाइप फैक्ट्री से लेबार्ट्री तक कोई खुफिया रास्ता भी मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत में वो लोग किसी तरह भी हम पर हमला नहीं कर सकते, मार्शल ड्रेले ने कहा। आप मेरी बात का यकीन करें बास, मेजर हडसन ने कहा। लेकिन कैसे? अगर वो वहाँ से फायरिंग करेंगे तो फायरिंग की आवाज़ें और अंधेरे में फायरिंग के शोले भी तो हो हमें नज़र आ जाएंगे, मार्शल ड्रेले ने मुंह बनाते हुए कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ बास, बहरहाल मेरे दिल में ये खटका सा पैदा हुआ तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, मेजर हडसन ने कहा। ठीक है, तुम ऐसा करो कि फैक्ट्री के अंदर चले जाओ और वहाँ जाकर साथियों को लीड करो। अगर जो कुछ तुम कह रहे हो ऐसा हुआ तो बहरहाल वो लोग या तो अकबी तरफ से या फिर सामने के रुख से फैक्ट्री में दाखिल होने की कोशिश ज़रूर करेंगे और ऐसी सूरत में तुम्हारा वहाँ होना ज़रूरी है। मैं यहीं रहूँगा, मार्शल ड्रेले ने कहा। यस बॉस, मेजर हडसन ने कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ फैक्ट्री की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो साइड में जाकर मार्शल ड्रेले की नज़रों से गायब हो गया। अब तक इन लोगों को किसी न किसी अंदाज में आ जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं आ रहे? मार्शल ड्रेले ने कुछ देर बाद बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन जाहिर है सिर्फ इसकी बड़बड़ाहट से तो बादशाही एजेंट वाना पहुंच सकते थे, इसलिए वो खामोश हो गया। तो काफ़ी देर बाद इसे ख्याल आया कि वो हैरिस से जो फैक्ट्री की छत पर मौजूद है रिपोर्ट ले ले। इसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, मार्शल ड्रेले कॉलिंग, ओवर, मार्शल ड्रेले ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ से हैरिस कॉल अटेंड ही ना कर रहा था। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हैरिस मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, क्या हुआ इसे? मार्शल ड्रेले ने जक लकत परेशान से लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि वो मजीद कुछ सोचता अचानक फैक्ट्री के अंदर से तेज़ फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ओहो, तो मेजर हडसन की बात दुरुस्त थी, मार्शल ड्रेले ने उछल कर खड़े होते हुए कहा। और इसके साथ ही इसने बिजली की से तेज़ी से जेब से एक डिचार्जर निकाला और इसका बटन प्रेस कर दिया। डिचार्जर पर जर्द रंग का बल्ब जल उठा तो इसने तेज़ी से दूसरा बटन प्रेस कर दिया और इस बार जर्द रंग की बजाय सुर्ख रंग का बल्ब एक लम्हे के लिए जला और फिर बुझ गया। इसके साथ ही फैक्ट्री के अंदर से आने वाली फायरिंग की आवाज़ें यकलगत खामोश हो गई। कार्टर, मेरे साथ आओ, मार्शल ड्रेले ने चीख कर कहा। तो एक चट्टान की ओर से एक नौजवान उठकर बाहर आ गया। आओ, मार्शल ड्रेले ने कहा और तेज़ी से फैक्ट्री की साइड की तरफ दौड़ने लगा। इसके दौड़ने का अंदाज ऐसा था जैसे इसके पैरों में कोई मशीन फिट हो गई हो। कार्टर भी इसके पीछे दौड़ रहा था, इसके हाथ में मशीन गन थी। थोड़ी देर बाद वो फैक्ट्री की साइड से होकर फैक्ट्री के गेट पर पहुँच गए। रुक जाओ, मार्शल ड्रेले ने कार्टर से कहा और खुद भी रुक गया। वो इस कदर तेज़ दौड़ने के बावजूद हांफने की बजाय तेज़ तेज़ सांस ले रहा था। कार्टर भी इसके पीछे रुक गया, वो भी तेज़ तेज़ सांस ले रहा था। ये फायरिंग कैसी थी? कार्टर ने कहा। बादशाही एजेंट यकीनन फैक्ट्री में दाखिल हुए हैं, मार्शल ड्रेले ने कहा। तो कार्टर बे इख्तियार उछल पड़ा। बादशाही एजेंट, कार्टर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, बहरहाल अब खतरे की कोई बात नहीं, अगर वो मेजर हडसन और हमारे साथियों के हाथों हलाक नहीं हुए होंगे तो बेहोश पड़े होंगे, मार्शल ड्रेले ने कहा।
और फिर इसने कार्टर को अपने पीछे आने का इशारा किया और तेजी से खुले एक बैठक में दाखिल होकर अंदर आया तो इसने बरामदे के पास अपने एक साथी की लाश पड़ी हुई देखी। थोड़ी देर बाद इसने फैक्ट्री का राउंड लगाया तो सिवाय मेजर हडसन के इसके बाकी चारों साथी हलाक हो चुके थे। अलबत्ता मेजर हडसन एक चौड़े सतून की ओट में बेहोश पड़ा हुआ था। एक साइड पर बिखरे हुए अंदाज में एक मकामी औरत और चार अफराद बेहोश पड़े हुए थे। इनके साथ ही साइलेंसर लगे हुए मशीन पिस्टल मौजूद थे। कार्टर, जाओ ऊपर छत पर जाकर देखो हैरिस और चेरी की क्या पोजीशन है, मार्शल ड्रेले ने होंट चबाते हुए कहा और हैरिस ज़दा कार्टर तेजी से दौड़ता हुआ एक साइड की तरफ बढ़ गया। मैं तुम लोगों को आसान मौत नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुमने मेरे साथियों को हलाक किया है, मैं तुमसे इनके खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा। तुम में से अब कोई एक भी जिंदा नहीं बचेगा, सब के सब मेरे हाथों मरोगे, मार्शल ड्रेले ने हॉर्न चबाते हुए इंतहाई घसीले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। इसके लहजे में बेपनाह गुस्सा और नफरत मौजूद थी और इसकी नज़रें पाकशाही एजेंटों पर जमी हुई थी। उसी लम्हे कार्टर दौड़ता हुआ वापस आ गया। चीफ चीफ, ऊपर हैरिस और जेरी दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं, इन्हें गोलियां मारी गई हैं, कार्टर ने इंतहाई मतोश लहजे में कहा। मेरे बेहतरीन तरबियत याफ्ता साथियों को हलाक करके तुमने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं इमरान, अब तुम्हें इसके लिए अबरतनाक इजाब भुगतना पड़ेगा, मार्शल ड्रेले ने और ज़्यादा कसीले लहजे में कहा। चीफ, इन्हें गोली मार दें, ये होश में आ गए तो, कार्टर ने कहा। ये इस वक्त तक होश में नहीं आ सकते जब तक मैं ना चाहूँ, और तुम इन्हें इसी बेहोशी के आलम में गोली मारने का कहकर इनका साथ दे रहे हो, इन इंतहाई काबिल नफरत लोगों का साथ, ताकि ये आसान मौत मर जाएं, लेकिन मैं इन्हें ऐसी अबरतनाक मौत मारूंगा कि सदियों तक इनकी रूहें भी चीखती चलाती और बलबलाती रहेंगी। मैं इनकी एक एक हड्डी हज़ार बार तोड़ूंगा, मैं इनका रेशा रेशा अलहदा कर दूंगा, मार्शल ड्रेले ने कहा। यस चीफ, कार्टर ने मार्शल ड्रेले की हालत देखकर सहमे हुए लहजे में कहा। तुम फौरन कॉल करके एम्बुलेंस बुलाओ ताकि यहाँ से लाशें हटाई जा सकें, मार्शल ड्रेले ने कहा तो कार्टर ने इस्बात में सर हिला दिया। जिस तरह अंधेरे में दूर कोई जुगनू सा चमकता है, इसी तरह रोशनी का एक नुकता सा इमरान के दिमाग में रोशन हुआ जो तेज़ी से फैलता चला गया और फिर चंद लम्हों बाद इमरान ने आँखें खोल दीं। कुछ देर बाद वो खाली खाली नज़रों से इधर उधर देखता रहा, फिर जैसे ही इसका शौर जागा तो इसके जहन में सबका वाकयात की किसी फिल्म के सीन की तरह घूमते चले गए। इसे याद था कि वो अपने साथियों समेत दीवार के साथ जेर ज़मीन खुफिया रास्ते से घुसकर सिंड्रेला लेबॉरेटरी से शमाल की तरफ सीमेंट के पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में दाखिल हुए तो वहाँ 10 अफराद मौजूद थे जो वहाँ कोई खेल खेलने और शराब पीने में मसरूफ थे। इनका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी बड़ी कामयाबी पर जश्न मना रहे हों कि इमरान ने बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल फायर करके इन सबको बेहोश कर दिया और फिर उन्होंने इस फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। फिर इमरान फैक्ट्री की छत पर पहुंचा और इसने पुश फायर गन की मदद से सिंड्रेला फैक्ट्री की छत पर मौजूद अफराद को हलाक कर दिया। पुश फायर गन अंधेरे में ना सिर्फ दुरुस्त निशाना लगाने के लिए आजाद की गई थी बल्कि इस गन का ये फ़ायदा भी था कि इससे आम गन्नों की तरह फायरिंग के वक्त शोले भी ना निकलते थे। ये एक्रेमिया की जदीद तरीन ऐजाद थी और चूँकि क्रांस भी तरक्की याफ्ता मुल्क था इसलिए ये गन यहाँ मार्केट से आसानी से दस्तियाब हो गई थी। इसके बाद इमरान नीचे उतरा और फिर वो सब इंतहाई मुतात अंदाज में सिंड्रेला फैक्ट्री की तरफ बढ़ते चले गए। इन्हें मालूम था कि अंदर चार अफराद मौजूद हैं क्योंकि रिचर्ड इन्हें पहले ही इस बारे में इतला दे चुका था, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि तादाद कम या ज़्यादा हो, इसलिए इमरान और इसके साथी बेहद मुतात थे। इसके बावजूद जब वो खुले फाटक के सामने पहुँचे अचानक अंदर से मशीन गन की फायरिंग शुरू हो गई तो इमरान और उसके साथियों ने साइलेंसर लगे हुए मशीन पिस्टल्स का बेतरेक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और तेज़ फायरिंग की आड़ में वो एक एक करके अंदर दाखिल होने में कामयाब भी हो गए। अंदर से 5 मशीन गन्ने चलाई जा रही थीं, फिर एक एक करके 4 मशीन गन्ने खामोश हो गईं। अलबत्ता एक मशीन गन बरदर ऐसी जगह पर मौजूद था जहाँ इसे फौरी तौर पर हिट ना किया जा सकता था, लेकिन इमरान के साथी इंतहाई आस्तगी से साइडों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। इमरान को असल ख़तरा यही था कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर अकबी तरफ मौजूद अफराद यहाँ पहुँच जाएंगे और इस तरह वो दोनों तरफ से फंसकर मारे जाएंगे, इसलिए वो जल्द अज जल्द इस आखिरी मशीन गन बरदर का खात्मा करना चाहता था। लेकिन फिर अचानक इसकी नाक से इंतहाई तेज़ बू टकराई और इसके साथ ही इमरान का जेन तारीकी में डूबता चला गया और फिर अब इसे होश आया था। इसने होश में आते ही लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे ये देखकर इसके मुंह से बेइख्तियार एक तहील सांस निकल गया
कि वह रॉड्स में जकड़ा हुआ कुर्सी पर बैठा है। इसके साथ ही रॉड्स में जकड़े हुए कुर्सियों पर मौजूद थे। वो सब होश में आने के प्रोसेस से गुजर रहे थे, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आए थे। इमरान ने देखा कि ना सिर्फ इसकी कलाई से घड़ी उतार ली गई थी, बल्कि इसे साफ महसूस हो रहा था कि इसके नाखनों से ब्लेड भी अलहदा कर दिए गए थे। इसके जिस्म पर लबास तो वही था जो इसने पहना हुआ था, अलबत्ता कोट गायब था और वो अब सिर्फ शर्ट और पैंट में मलबूस था। इसके साथ साथ इसने देख लिया था कि इसके सारे साथी अपनी असल शक्लों में थे। इसका मतलब है कि हम असाडम एजेंसी की कैद में हैं। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिंदा हैं, वरना तो हमें बेहोशी की हालत में ही ख़त्म किया जा सकता था, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो समझ गया था कि अपनी मखसूस ज़हनी वर्जिशों की वजह से वो अपने साथियों से पहले होश में आ गया है। इसने इधर उधर देखा तो इसे हर तरफ सिलेंडर ही सिलेंडर दिखाई दिए। जिस किस्म का ये हाल और जिस किस्म के सिलेंडर थे, इससे साफ जाहिर था कि इन्हें सेंट्रेला फैक्ट्री से किसी और जगह ले जाकर कैद किया गया था, और ये बात इमरान के नुक्ते नज़र से गलत हुई थी। अब इसने रॉड्स वाली कुर्सी का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। अभी वो जायज़ा लेने में मसरूफ था कि सफदर की करा सुनाई दी और इमरान ने गर्दन घुमा कर सफदर की तरफ देखा तो वह होश में आ रहा था, और फिर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद बाकी साथी भी होश में आते चले गए, और फिर जाहिर है इनके मुंह से भी वही फिक्रें निकले जिनकी तवक्का इमरान को थी, और इमरान ने इन्हें वही कुछ बता दिया जो इसने अब तक सोचा था। लेकिन इमरान साहिब, अगर हम बेहोशी के आलम में इनके हाथ लग गए थे तो उन्होंने हमें ज़िंदा क्यों रखा है, सफदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर है मेरे भाई। कोई ना कोई बात बहरहाल ऐसी हुई है कि जिसकी वजह से उन्होंने बेहोशी के आलम में हमें गोलियाँ नहीं मारी, बल्कि यहाँ लाकर इस तरह रॉड्स में जकड़ने का तकल्लफ़ किया है, इमरान ने कहा। तो फिर अब हम इन रॉड्स से निकलेंगे कैसे, क्या तुमने कोई तरीका सोचा है, जुलिया ने कहा। नहीं, फ़िलहाल तो इन रॉड्स से निकलने का कोई तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। होश में आने के बाद मैंने जायज़ा लिया था, अगली तरफ इन रॉड्स के बटन नहीं है। अलबत्ता दरवाजे के साथ जो स्विच पैनल दीवार पर मौजूद है, इसमें निचली लाइन में 12 के करीब सुर्ख रंग के बटनों की एक अलग कतार मौजूद है, और ये रॉड्स वाली कुर्सियों की तादाद भी 12 है, जिसका मतलब है कि इन स्विच से ही इनको ऑपरेट किया जाता है, इमरान ने कहा। तो फिर क्या किया जाए, जुलिया ने कहा। हमें इसका मैकेनिज्म तलाश करना चाहिए। हमारे सिर्फ बाजू और पेट से गर्दन तक रॉड्स में हैं, हमारी टांगें आज़ाद हैं, इसलिए अपनी कुर्सियों के पायों को चेक करो। इस सिस्टम में एक तार ज़मीन से निकल कर कुर्सी के ऑपरेटिंग रॉड्स तक जाती है। ये तार तोड़ दी जाए तो रॉड्स खुद ब खुद खुल जाते हैं, और जुलिया तुमने तार तलाश करने के बाद इसे ऑपरेट करना है, और अगर ये काम ना हो सका तो तुमने खातून होने के नाते अपने जिस्म को सकेड़ कर और अंदर की तरफ लंबा सांस लेकर नीचे की तरफ अपने आप को घसकाना है। यकीनन तुम इन रॉड से इस अंदाज में छुटकारा पा सकती हो, इमरान ने इसे बाकायदा हदायत देते हुए कहा। मैंने कोशिश कर ली है, लेकिन एक रॉड मेरी गर्दन के गिर्द मौजूद है, इसलिए जिस अंदाज में तुम कह रहे हो ऐसा मुमकिन नहीं है। अलबत्ता अब तार तलाश करती हूँ, जुलिया ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक हाल का बंद दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद लेकिन इंतहाई वर्जिशी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे एक दरमियाने कद का नौजवान था। इसका जिस्म भी इंतहाई ठोस और वर्जिशी था, और इन दोनों के पीछे एक पहलवान मां आदमी था जिसका सर अंडे की तरह साफ था। इसने पेशानी पर सुर्ख रंग की एक पट्टी बांधी हुई थी जिस पर जर्द रंग की लकीरें थी। इसने तेज सुर्ख रंग की हाफ आस्तीन की शर्ट और जीन्स की पैंट पहनी हुई थी। वो अपनी शक्लो सूरत और कद्दोकामत से जेर ज़मीन दुनिया का कोई ख़तरनाक गुंडा दिखाई दे रहा था, जिसकी तंग पेशानी और छोटी छोटी लेकिन तेज चमकदार आंखों में शैतानियत जैसी सुबह हुई नज़र आ रही थी। इसने हाथ में एक कोड़ा पकड़ा हुआ था। आगे वाले दोनों अफराद सामने मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। इन दोनों की त्योरियाँ चढ़ी हुई थी, चेहरे पर शदीद गुस्से और तनाव के तासरात नुमाया तौर पर नज़र आ रहे थे। कोड़ा ब्रादर पहलवान साइड पर मुदबाना अंदाज में खड़ा हो गया था। मेरा नाम मार्शल ड्रेले है और मैं असाडम का चीफ हूँ, और ये मेरा नंबर 2 मेजर हडसन है। तुम में से इमरान कौन है, लंबे कद और भारी जिस्म के आदमी ने इंतहाई सख्त और सर्द लहजे में कहा। खाली इमरान तो यहाँ कोई नहीं है, अलबत्ता अली इमरान MSC DSC एक्शन का पूछ रहे हो तो वो मैं हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो दोनों चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगे। हूँ तो तुम हो वो इमरान जिसकी शोहरत इस वक्त सारी दुनिया में फैली हुई है, मार्शल ड्रेले ने तेज तेज लहजे में कहा। इसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे इसे फिक्रा मुकम्मल करने की बेहद जल्दी हो। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि इसने मुझे हकीर फकीर को शोहरत दे रखी है, लेकिन मुझे तुम पर हैरत हो रही है कि तुम अच्छे भले जिम्मेदार आदमी दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुमने काम एमको वाला किया है, इमरान ने कहा। तो मार्शल ड्रेले बेइख्तियार चौंक पड़ा।
क्या मतलब? मार्शल ट्रेले ने कहा, तुम हमें वहाँ से यहाँ इसलिए लाए हो कि तुम्हारे नुक्ते नज़र से हमारा ग्रुप सिर्फ हम तक महदूद है, लेकिन तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि हमारा एक दूसरा ग्रुप भी है जो हमारे बाद इस सेंट्रिला लेबॉरेटरी पर हमला कर देगा, इमरान ने कहा। तो मार्शल ट्रेले बे इख्तियार हंस पड़ा, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो, तुमने अपने तौर पर तो बड़े खूबसूरत अंदाज में मुझे उलझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं अहमक नहीं हूँ, वहाँ लेबॉरेटरी में मेरा ग्रुप मौजूद है। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ ले आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे और तुम्हारे साथियों से अपने ग्रुप के साथियों की मौत की अबरतनाक सजा देना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता तो तुम्हें बेहोशी के दौरान ही गोलियों से उड़ा देता, लेकिन ये तुम्हारे लिए आसान मौत होती, मगर अब तुम्हारे जिस्मों का एक एक रिशा अलहदा किया जाएगा, एक एक हड्डी तोड़ दी जाएगी और तुम्हें ऐसी अबरतनाक मौत मारा जाएगा कि तुम्हारी रूहें सदियों तक बुलबुलाती रहेंगी। मैंने तुम्हें इसलिए इस तरह राड्स में जकड़ा हुआ है कि ताकि तुम कोई हरकत ना कर सको और तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा कोड़ों से उधेड़ दिया जाए, और पहले ये काम तुम्हारे साथ होगा, फिर तुम्हारे साथियों और इस सविस नजात लड़की के साथ जो यकीनन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मार्शल ट्रेले ने तेज तेज लहजे में कहा। बंधे हुए अफराद पर कोड़े बरसा कर तुम अपनी चालाना अना को तस्कीन दे सकते हो तो दे लो, वरना मैंने सुना था कि असालम का चीफ बेहद अक्लमंद और बहादुर है और मार्शल आर्ट में बेपनाह सलाहियत रखता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने दुरुस्त सुना है, लेकिन तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं तुम्हारे मुकाबले की दावत नहीं दूंगा। मैंने तुमसे सिर्फ इंतकाम लेना है, और अगर तुम मेरे इंतकाम से खौफजदा हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें आसान मौत मारूंगा, अलबत्ता तुम्हारे साथियों को बहरहाल अबरतनाक इंजाम से दो चार होना पड़ेगा। मार्शल ट्रेले ने तेज लहजे में कहा, इंतकाम लेने का सही तरीका ये नहीं है जो तुमने इख्तियार किया है, सही तरीका ये होता है कि अपने दुश्मनों की हड्डियाँ अपने हाथों से तोड़ी जाएं। अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं ऐसा ही करता, इमरान ने कहा। शार्डल, मार्शल ट्रेले ने इमरान की बात का जवाब देने की बजाय साथ खड़े हुए गंजे पहलवान नमा आदमी से मुखातब होकर कहा, यस चीफ। इस गंजे पहलवान ने इंतहा मौजबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, इस इमरान की बोटियाँ उड़ा दो, चलो शुरू हो जाओ, अगर तुम्हारा हाथ एक लम्हे के लिए आहिस्ता हुआ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मार दूंगा, मार्शल ट्रेले ने कहा। यस चीफ, शार्डल ने कहा, और हाथ में पकड़ा हुआ कोड़ा हवा में चटकाता हुआ वो बड़े जारहाना अंदाज में इमरान की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो, अचानक जूलिया ने चीखते हुए कहा। तो मार्शल ट्रेले ने हाथ के इशारे से शार्डल को रोक दिया। तुम इसकी दोस्त हो इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन जल्द ही तुम्हारी बारी भी आएगी, मार्शल ट्रेले ने कहा। मैं इसकी दोस्त नहीं हूँ, मुझे इसने बाकायदा हायर किया है, मेरा ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से है, मेरा नाम लेडी साशा है और लेडी साशा को स्विट्ज़रलैंड में ग्रेट प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है, और मेरा नाम सुनकर बड़े बड़े जराइम पेशा अफराद कांप उठते हैं। अगर तुम या तुम्हारा असिस्टेंट या तुम्हारा ये कोड़ा बरदर पहलवान ये समझते हैं कि इन्हें और मुझे हलाक करके तुम अपनी लेबॉरेटरी को और अपने आप को बचा लोगे तो तुम वाकई एमको की जन्नत में रहते हो, जूलिया ने तेज तेज लहजे में कहा। तुम क्या कहना चाहती हो, खुलकर बात करो, मार्शल ट्रेले ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम लेबॉरेटरी फ़ोन करके मालूम करो कि वहाँ की क्या पोजीशन है, इसके बाद तुम्हारा जो चीज आए करते रहना, वरना तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, जूलिया ने कहा। लेबॉरेटरी को कुछ नहीं हो सकता इसलिए कि वहाँ सिरे से लेबॉरेटरी मौजूद ही नहीं है, मार्शल ट्रेले ने बड़े तनसिया लहजे में कहा। तो इमरान और इसके साथी बे इख्तियार चौंक पड़े। क्या तुम हमें अहमक समझते हो जो ऐसी बात कर रहे हो, इमरान ने कहा। तुमने अभी हलाक हो जाना है इसलिए अब तुम्हें हकीकत बताने में कोई हर्ज नहीं है कि सेंट्रिला लेबॉरेटरी वो लेबॉरेटरी नहीं जिसमें पाकशाही फार्मूला भिजवाया गया था, क्योंकि ये ऐसी लेबॉरेटरी है जिसमें गैसेस पर रिसर्च की जाती है, ऐसी गैसेस पर जिन्हें दफा के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है, और इन गैसों की वजह से लेबॉरेटरी को खसूसी तौर पर इस अंदाज में बनाया गया है कि तुम इस पर एटम बम भी मारो तब भी ये तबाह नहीं हो सकती, क्योंकि असल लेबॉरेटरी को मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज किया गया है, और इंतहाई कातल गैसों की वजह से इसके गिर्द क्रिस्टल प्लस शीशे का कवर मौजूद है, और तुमने अभी अपने आप को डॉक्टर ऑफ साइंस बताया है तो तुम्हें मालूम होगा कि क्रिस्टल प्लस शीशे को एटम बम भी नहीं तोड़ सकता, मार्शल ट्रेले ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान ने बे इख्तियार एक तो हील सांस लिया, क्योंकि मार्शल ट्रेले ने क्रिस्टल प्लस शीशे के कवर की जो बात की थी इससे इमरान समझ गया था कि वो दुरुस्त कह रहा है, क्योंकि इंतहाई कातल गैसों की लेबॉरेटरी में क्रिस्टल प्लस शीशे का कवर ज़रूर किया जाता है। अगर ऐसा है तो चलो ये बता दो कि वो लेबॉरेटरी कहाँ है जहाँ पाकशाही फार्मूला भिजवाया गया है, इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम, या तो डिफेंस सेक्रेटरी को मालूम होगा या फिर चीफ सेक्रेटरी साहब को, मार्शल ट्रेले ने कहा। ओके, फिर तो हम वाकई अहमक बन गए, तुम्हारी बात सुनकर हमें अब एहसास हो रहा है कि हमें नए सिरे से जदोजहद करना पड़ेगी, इमरान ने कहा।
वो तो तुम इस सूरत में कर सकोगे कि अगर तुम जिंदा बच पाओगे, जबकि तुम किसी तरह भी इस कमरे से जिंदा बाहर जा ही ना सकोगे, मार्शल रेले ने कहा। बस ये लोग वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हो सकता है कि इन्हें किसी तरफ से इमदाद की तवक्का हो। अचानक मार्शल रेले के करीब बैठे हुए मेजर हडसन ने पहली बार जुबान खोलते हुए कहा, कैसी इमदाद, एमको जैसी बातें मत किया करो, कौन मदद कर सकता है इनकी, और मेरे पास बहुत वक्त है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं इनकी बेबसी का तमाशा देख रहा हूँ और फिर मैं इनके चीखने और तड़पने का तमाशा देखूंगा। हाँ शार्डल, चलो शुरू हो जाओ, मार्शल रेले ने कहा। तो शार्डल बिजली किसी तेज़ी से आगे बढ़ा और इसने वाकई इंतहाई इमारत से कोड़ा इमरान के जिस्म पर मार दिया, लेकिन दूसरे लम्हे शार्डल चीखता हुआ एक झटके से इमरान पर जा गिरा और फिर जिस तरह कोई बॉलर पूरी कुव्वत से गेंद फेंकता है, इस तरह भारी भरकम शार्डल हवा में उड़ता हुआ वापस मार्शल रेले और मेजर हडसन पर जा गिरा और वह दोनों चीखते हुए कुर्सियों समेत पुश्त के बल फर्श पर जा गिरे, जबकि शार्डल इन दोनों से टकरा कर एक साइड पर एक धमाके से गिरा और फिर वो तेज़ी से उठने ही लगा था कि इस गेंद की तरह उछलकर वापस फर्श पर जा गिरा, जैसे फर्श पर आहिस्ता से मारा गया हो, और इसके साथ ही शार्डल साख्त हो गया। जबकि इस दौरान मार्शल रेले और मेजर हडसन दोनों कलाबासियाँ खाकर उछल कर खड़े हो गए। अलबत्त इनकी कुर्सियाँ उसी तरह फर्श पर उल्टी पड़ी हुई नज़र आ रही थी। ये क्या मतलब, ये कैसे हो गया, और ये शार्डल क्या ये मर गया है, ये कैसे मुमकिन है, मार्शल ड्रेले ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। कोई खास बात नहीं हुई मार्शल ड्रेले, मैंने सिर्फ कोड़ा पकड़कर इसे अपनी तरफ झटका दिया तो शार्डल उछलकर मेरे पास आ गया, मैंने कोड़ा छोड़कर एक हाथ में इसकी गर्दन और दूसरा इसकी टांग पर डाला और फिर उछाल कर इसे तुम दोनों पर फेंक दिया। अलबत्त जिस अंदाज में इसे मैंने फेंका था, इससे इसकी गर्दन में बल आ गया था और इसकी शाहरुख दब गई होगी और वह सांस न ले सकने की वजह से हलाक हो गया, इमरान ने बड़े इत्मीनान बड़े लहजे में वजाहत करते हुए कहा। कोड़ा अलबत्त इसने फर्श से उठा लिया था। अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना है वो दुरुस्त है, तुम इंतहाई खतरनाक आदमी हो, इसलिए अब तुम्हारा मजीद जिंदा रहना हमारे लिए इंतहाई खतरनाक है, मार्शल ड्रिले ने चीखते हुए कहा। वो आगे बढ़ा और इसने फौरन जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। यकलकत इमरान के हाथ में मौजूद कोड़ा बिजली से भी ज़्यादा तेज़ी से घुमा और शाह की आवाज़ के साथ ही मार्शल ड्रिले चीखता हुआ बेइख्तियार पीछे हटा। कोड़ा मार्शल ड्रिले के हाथ पर पड़ा और इसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल से लिपट गया। इमरान ने एक झटका मारा तो मशीन पिस्टल उड़ता हुआ सीधा इसकी तरफ आया। इमरान ने कोड़ा छोड़कर फौरन मशीन पिस्टल हवा में ही दबोच लिया। उसी लम्हे फायरिंग की आवाज़ें और मेजर हडसन के हलक से निकलने वाली चीखों से कमरा गूंज उठा। मेजर हडसन सीने पर गोलियां खाकर फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। मार्शल ड्रिले हैरत की शिद्दत से बुत बना खड़ा था। तुम्हें मालूम है कि मेरा निशाना बेखता है, इसलिए कोई हरकत करने की कोशिश न करना, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो मार्शल ड्रिले बेइख्तियार झोंक पड़ा। मेजर हडसन इस दौरान साख्त हो गया था। तुम जादूगर हो, मार्शल ड्रिले के मुंह से बेइख्तियार निकला। ये कोई जादूगरी नहीं है मार्शल ड्रिले, मैंने शार्डल को तुम दोनों पर उछाला ही इसलिए था कि मुझे इसके हाथ से कोड़ा चिपटने की मोहलत मिल जाए, और फिर तुम कलाबाजी कर कर उठे तो तुम कोड़े की लंबाई की हदूद में आ गए थे, और फिर कोड़े की जरब में मैंने इस एंगल से तुम्हारे हाथ पर लगाई थी कि तुम्हारे हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल खुद ब खुद उड़ता हुआ मेरे हाथ में पहुंच गया। मेजर हडसन तेज़ी दिखा रहा था, वो अपनी जेब से शायद मशीन पिस्टल निकालना चाहता था, इसलिए मैंने इसे ख़त्म कर दिया। ये जादूगरी नहीं है, सीधा साधा खेल है मार्शल ड्रिले, इमरान ने पहले की तरह इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तुम मेरी तवक्का से भी ज़ोर आगे की चीज़ हो, बहरहाल अब तुम क्या चाहते हो, मार्शल ड्रिले ने होंठ चबाते हुए कहा। वो वाकई इस वक्त इंतहाई मुश्किल सिचुएशन में था। इमरान के हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था और इमरान ने जिस तेज़ी फुर्ती और महारत का मुजाहिदा किया था, इससे मार्शल ड्रिले को बहरहाल इतना ज़रूर मालूम हो गया था कि अगर इसने मामूली सी हरकत भी की तो इसका हशर भी मेजर हडसन जैसा हो सकता है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमें इन रॉड से निजात दिला दो, इमरान ने कहा। ठीक है, मेरा वादा कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूँगा। इन रॉड्स को खोलने के लिए मुझे दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा, वहाँ एक पैनल ऑन होगा तो यहाँ 12 स्विचेस में पावर सिस्टम बहाल हो जाएगा जो फिलहाल ऑफ है, मार्शल ड्रिले ने कहा। इसने इन 12 सुर्ख बटनों की तरफ इशारा किया था जिनके बारे में इमरान पहले ही अंदाज़ा लगा चुका था कि रॉड्स को ऑपरेट करने के लिए यही बटन हो सकते हैं, लेकिन अब मार्शल ड्रिले नई बात बता रहा था कि ये बटन ऑफ हैं और इन्हें दूसरे कमरे में मौजूद मशीनी सिस्टम से ऑन किया जा सकता था। सोच लो, मुझे झूठ से शदीद नफरत है और मैं बोलने वाले का लहजा सुनकर मालूम कर लेता हूँ कि वह सच बोल रहा है या झूठ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरी बात पर यकीन करो, मार्शल रेने ने कहा। अगर मैं कहूँ कि यही सुर्ख बटन इन रॉड्स को ऑपरेट करते हैं तो
इमरान ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, नहीं ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। ये बटन राड्स को ऑपरेट ज़रूर करते हैं, लेकिन इन बटनों को दूसरे कमरे में मौजूद पैनल सिस्टम से ऑन ऑफ किया जाता है। ये अभी ऑफ हैं, जब तक पैनल सिस्टम ऑन नहीं होगा ये बटन काम नहीं करेंगे। ये देखो मैं बटन प्रेस करके दिखाता हूँ, मार्शल ट्रेले ने कहा। और इमरान समझ गया कि वो वाकई दुरुस्त कह रहा है। मार्शल ट्रेले ने आगे बढ़कर इन तमाम बटनों को प्रेस कर दिया, लेकिन इनमें से किसी का राड ना खुला। इससे इस बात की तस्दीक हो गई कि वाकई इन बटनों को किसी और कमरे में मौजूद पैनल से ऑफ किया गया है, और जब तक वो पैनल ऑन नहीं होगा ये बटन काम नहीं करेंगे। लेकिन अब वो खुद इंतहाई पेचीदा सिचुएशन में फंस गया था। इसके एक हाथ में मशीन पिस्टल था, जबकि इसका बाजू उसी तरह राड में जकड़ा हुआ था। अगर वो मार्शल ट्रेले को जाने की इजाज़त देता तो फिर जाहिर है वो सब आसानी से मारे जा सकते थे, और वो मार्शल ट्रेले को फिलहाल हलाक भी ना करना चाहता था। ठीक है, लेकिन हम तुम पर एतमाद कैसे कर सकते हैं, इसलिए तुम छुट्टी करो। तुम्हारा कोई साथी आएगा तो इससे माहिदा हो जाएगा, इमरान ने कहा। यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है, और ना ही कोई आएगा, इसलिए तुम यहाँ भूख प्यास से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाओगे। मुझ पर एतमाद करो, मैं तुम्हें रहा कर दूंगा, मैं सच कह रहा हूँ, मार्शल ट्रेले ने कहा। और अगर तुमने वादा खिलाफी की तो फिर, इमरान ने कहा। नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है, हमारा टकराव फिर किसी और जगह हो सकता है, लेकिन अब अगर मैं हलाक हो गया तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, मार्शल ट्रेले ने कहा। ओके, ओपन करो पैनल, इमरान ने कहा। तो मार्शल ट्रेले तेज़ी से मुड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। इमरान साहिब, आपने, सफदर ने कुछ कहना चाहा। खामोश रहो, इमरान ने गर्दन घुमाए बगैर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तो सफदर खामोश हो गया और दूसरे साथी भी खामोश हो गए। इमरान की नज़रें दरवाजे पर जमी हुई थीं। अचानक कुछ देर बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से कदमों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, और इसके साथ ही यकलकत एक धमाके से दरवाज़ा खुला और एक मशीन गन की नाल साइड से अंदर की तरफ बड़ी ही थी कि इमरान ने हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया, और थड़थड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही मार्शल ट्रेले चीखता हुआ दरवाजे के दरमियान औंधे मुँह आ गिरा। वो जिस साइड पर खड़ा था इसके पीछे दीवार मौजूद थी, इसलिए इमरान के मशीन पिस्टल से निकलने वाली गोलियां इसके सीने पर पड़ीं, और वह धक्का खाकर अभी दीवार से टकरा कर औंधे मुंह दरवाजे की दहलीज में आ गिरा। दूसरे लम्हे वो पलटा और इसने उठने की कोशिश की। मशीन गन अभी तक इसके हाथ में पकड़ी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि वो उठ सकता इमरान ने एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया, और थड़थड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही गोलियों ने मार्शल ट्रेले की खोपड़ी को सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील कर दिया, और वो बेहसो हरकत हो गया। इमरान की नज़रें मसलसल दरवाजे पर जमी हुई थीं। दरवाज़ा अब खुला हुआ था, लेकिन काफ़ी देर तक जब कोई ना आया और ना ही किसी की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने बेइख्तियार एक तहील सांस लिया। इसका तना हुआ जिस्म ढीला पड़ गया था। मुझे खदशा था कि यह शख्स हलफ की खिलाफ वर्जी ज़रूर करेगा, और वही हुआ। वह हमें हर सूरत में हलाक करना चाहता था, इमरान ने अपने साथियों की तरफ मुड़ते हुए कहा। वो तो जाहिर है, लेकिन तुमने पहले ही क्यों ना इसे हलाक कर दिया था, जूलिया ने कहा। इस वक्त वो वाकई बेबस हो चुका था, और दूसरा इम्कान ये भी था कि वो अपने हलफ की पासदारी करता। इसके अलावा हमारे पास भी तो और कोई चांस ना था, इमरान ने कहा। वो चांस तो अब भी नहीं है, और अगर तुम्हारा निशाना चूक जाता तो हम सब बेबसी के आलम में मारे जाते। तुमने इसे वापस जाने की इजाज़त देकर सबकी जिंदगियाँ 100% खतरे में डाल दी थी, जूलिया ने कदरे घसीले लहजे में कहा। और इससे पहले कि जूलिया मजीद कुछ कहती, दूसरे लम्हे इमरान ने अपने जिस्म को मखसूस अंदाज में झटका दिया, तो कटाक कटाक की आवाज़ों के साथ इसकी कुर्सी के राड्स खुलते चले गए। इमरान ने एक झटके से तार तोड़ दिए थे। दूसरे लम्हे वो उठकर खड़ा हो गया। ये कैसे हो गया, हैरत है, सफदर के मुँह से भी इख्तियार निकला। इसे शायद अक्लमंदी कहते हैं, क्यों तनवीर, इमरान ने पलट कर मुस्कराते हुए कहा। ये वाकई कैसे हो गया इमरान साहिब, कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। जूलिया समेत सबके चेहरों पर वाकई इंतहाई हैरत के तासरात उभर आए थे। मैं पहले तुम्हें इन राड से निजात दिला दूं, फिर बात होगी, इमरान ने कहा, और तेज़ी से बरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर वो दरवाजे में पड़ी हुई मार्शल ट्रेले की लाश को फलांगता हुआ इनकी नज़रों से गायब हो गया। कमाल है, ये वाकई इस सदी का अजूबा है, इमरान साहिब ने बज़ाहिर नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है, सफदर ने कहा। तो सब ने इस बात में सर हिला दिए। चंद लम्हों बाद इमरान वापस आया, और फिर इसने स्विच पैनल के नीचे लगे हुए सुर्ख बटनों को प्रेस करना शुरू कर दिया, तो कटाक कटाक की आवाज़ों के साथ इन सब की कुर्सियों के राड्स खुलते चले गए। कुछ ही देर में वो सब आज़ाद खड़े थे। इमरान साहिब, आपने वाकई आज कारनामा सर अंजाम दिया है, लेकिन आपने ये सब कैसे किया, सफदर ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। बेशुमार तारें थीं जिन्हें तोड़ने में मुझे वक़्त लग गया। मैं सबसे पहले ऐसी तार को तोड़ना चाहता था जिसमें बरकी रो गुजर रही थी। इस तार को तोड़कर बाकी तारों को तोड़ा जाता तब ही ये राड्स खुल सकते थे।
मेरे बूट की टो तो इन तारों में फंस चुकी थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि किस तार में भरती रो है। चुनाचा मैंने बूट की टो को कुर्सी की साइड से रगड़ा और बूट की टो में एक सुराख बना लिया। इससे मेरे पैर के अंगूठे का सिरा बाहर निकल आया। मैंने अंगूठे के नाखन से तारों को छुआ और फिर नाखन से इन्हें छीला तो एक तार में मुझे बरकी रो महसूस हुई। मुझे झटका तो लगा, लेकिन बहरहाल मैंने इस तार को तोड़ दिया। इस तरह बाकी तारों को तोड़ने में भला मुझे क्या मुश्किल पेश आ सकती थी, इमरान ने कहा। तो इन सब ने देखा, वाकई इमरान के पैर के एक जूते के सिरे पर सुराख सा बना हुआ था जहाँ से इसके पैर का अंगूठा झांक रहा था। वेल्डन, आपने आज वाकई फिर कारनामा सर अंजाम दिया है, रियली वेल्डन, कैप्टन शकील ने कहा। आओ अब चले, वरना सच में कोई आ गया तो इस हालत में भी हमें हलाक कर सकता है, इमरान ने कहा। वो सब इस कमरे से निकलकर राहदारी से गुजरकर और फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गए। थोड़ी देर बाद इमरान ने पूरी इमारत घूम डाली और बाहर जाकर भी चेकिंग कर ली। ये इमारत बाहर से कोई पुराना और टूटा फूटा जरी फार्म दिखाई दे रहा था। इसके इर्द गिर्द दूर दूर तक वरान इलाका था, हत्ता के कोई सड़क तक दिखाई न दे रही थी। अलबत्ता अपनी तरफ एक कार मौजूद थी, जबकि अंदर से यह इमारत खासी जदीद साख्त की थी और इसमें हर किस्म की जदीद सहूलियात मुहैया की गई थी। अगर हम राड से आज़ादी हासिल न कर लेते तो यहाँ वाकई किसी ने ना आना था, इमरान ने वापस आकर एक बड़े कमरे में कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इमरान साहब, यहाँ असला भी काफ़ी तादाद में मौजूद है और मेकअप का सामान वगैरह भी, सफदर ने कहा। हाँ, ये असाडम एजेंसी का कोई खास अड्डा लगता है। बहरहाल अब असाडम एजेंसी भी ख़त्म हो गई है और मार्शल ड्रिले भी, इमरान ने कहा। अब हमें दोबारा लेबार्ट्री पर हमला करना होगा, जूलिया ने कहा। वो लेबार्ट्री वाकई वो नहीं है जिसमें पाकशाही फार्मूला भिजवाया गया है, इमरान ने कहा। नहीं, वो मार्शल ड्रिले यकीनन बकवास कर रहा था, जूलिया ने कहा। जिस सिचुएशन में इसने बात की है, ऐसी सिचुएशन में इंसान झूठ नहीं बोल सकता। दूसरी बात यह कि क्रिस्टल प्लस शीशे वाली बात सुनकर मुझे भी यकीन आ गया है, वो कातल गैसों पर रिसर्च करने वाली लेबार्ट्री है, इमरान ने कहा। तो क्या अब नए सिरे से लेबार्ट्री तलाश करना पड़ेगी, सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, अब फार्मूला हमें वैसे ही मिल जाएगा, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही इसने मेज़ पर मौजूद वायरलेस फ़ोन पीस उठाकर इसे ऑन किया और फिर इस पर इंक्वायरी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़, रब्ता कायम होते ही एक नसवानी आवाज़ सुनाई दी। चीफ सेक्रेटरी लॉर्ड बोफेमैन की रहायशगाह का नंबर दें, मैं काफरस्तानी सफारत खाने से बोल रहा हूँ, इमरान ने जानबूझकर काफरस्तानी सफारत खाने का नाम लेते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। काफ़ी दिन निकल चुका है, वो शायद अब तक काफस पहुँच गए होंगे, सफदर ने कहा। नहीं, मुझे इनके बारे में मालूम है, वो 12:01 बजे से पहले आफस नहीं जाते, ये इनकी पुरानी आदत है, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही इसने इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ सेक्रेटरी हाउस, एक नजवानी आवाज़ सुनाई दी। चीफ सेक्रेटरी लॉर्ड बोफेमैन से कहो कि पाकशाही अली इमरान इनसे बात करना चाहता है, अगर उन्होंने बात ना की तो क्रांस को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंच जाएगा, जिसका जिम्मेदारी फिर अली इमरान पर आदना होगी, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। हेलो, चंद लम्हों बाद लॉर्ड बोफेमैन की भारी और संजीदा आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, MSC PSC एक्शन बोल रहा हूँ, इमरान ने मुस्कराते हुए कहा। क्या कहना चाहते हो, क्यों फ़ोन किया है, चीफ सेक्रेटरी लॉर्ड बोफेमैन ने कदरे घसीले लहजे में कहा। अरे अरे, इतना गुस्सा, आपके सब्र तहमल और बुरदबारी की तो पूरी दुनिया में मसाले दी जाती हैं, मैं पाकशाही सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान को गुस्सा आने पर आपकी मसाल देकर ठंडा करता हूँ, और आपकी ये हालत है कि मेरा तारफ सुनकर ही आपको गुस्सा आने लग गया है, इमरान ने कहा। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, समझे तुम, इसलिए जो कहना है जल्दी कह दो, लॉर्ड बोफेमैन ने तेज लहजे में कहा। आपने सर सुल्तान को सरकारी तौर पर बताया था कि पाकशिया से फार्मूला क्रांस ने हासिल नहीं किया, इसके बावजूद आपने हमारे मुकाबले पर अपनी खुफिया और इंतहाई तेज तरीन एजेंसी असाडम को उतारा। आपका ख्याल होगा कि असाडम का मार्शल ड्रिले और इसका नंबर 2 मेजर हडसन पाकशिया सीक्रेट सर्विस का रास्ता रोक लेंगे, लेकिन जहाँ से मैं बोल रहा हूँ वहाँ मार्शल ड्रिले और मेजर हडसन दोनों की लाशें मेरे सामने पड़ी हुई हैं। इनके बाकी साथियों की लाशें यकीनन अब तक पुलिस को इंडस्ट्रियल स्टेट की सेंड्रेला लेबॉरेटरी के ऊपर बनी हुई फैक्ट्री में मिल चुकी होंगी, इमरान ने भी यकलकत सर्द लहजे में कहा। क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो, मार्शल ड्रिले हलाक हो चुका है, लॉर्ड बोफेमैन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वह होंठ चबा चबा कर बात कर रहा हो। आपको तो मालूम है कि मैं झूठ नहीं बोला करता और मेरा आपके बारे में भी यही ख्याल था। बहरहाल आपको रायती नंबर दिए जा सकते हैं कि यह फार्मूला आपके बजाय डिफेंस सेक्रेटरी ने पाकशिया से हासिल कराया था। मैंने डिफेंस सेक्रेटरी को इसकी रहायशगाह पर इसलिए जिंदा छोड़ दिया था कि मैं नहीं चाहता था कि आपको शिकायत हो
कि मैंने सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर का लिहाज नहीं किया। बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि असाडम ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपको फ़ोन करने का ये मकसद नहीं था कि मैं आपको ये इतला दूँ। मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि डिफेंस सेक्रेटरी ने अपनी हमाकत से मुझे ऐसी लेबॉर्ट्री का पता बता दिया है जिसमें दफाई गैसों पर रिसर्च की जा रही है, और मैं इस लेबॉर्ट्री का चक्कर लगा आया हूँ। ये ठीक है कि इसके गिर्द क्रिस्टल प्लस शीशे का कवर मौजूद है जिसके बारे में सब यही कहते हैं कि इसे एटम बम से नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन आप जानते हैं कि जो काम एटम बम नहीं कर सकता वो आपके भतीजे का जहन कर लेता है। मैं चाहता तो ऐसा कर भी गुजरता, लेकिन मैं इसलिए रुक गया हूँ कि लेबॉर्ट्री के अंदर जो कातल गैसें मौजूद हैं वो आज़ाद हो जाएंगी, और इसके बाद जाहिर है क्रांस का दरअल हुकूमत इंसानों और जानवरों सब समेत साफ हो जाएगा और लाखों करोड़ों अफराद आनन फानन ख़त्म हो जाएंगे। इमरान ने कहा, ओहो वेरी बैड, क्या कह रहे हो तुम? तुम सिंड्रेला लेबॉर्ट्री तक कैसे पहुंच गई? लॉर्ड बोफे मैन ने इंतहाई हवास भागता होकर कहा, आपके डिफेंस सेक्रेटरी ने शायद ये सोचकर मुझे वहाँ के बारे में बता दिया था कि मैं वहाँ टकरे मारता रह जाऊँगा, लेकिन इसे नहीं मालूम कि मुसलसल टकरे मारने से तो चट्टानें भी टूट जाती हैं, और क्रिस्टल प्लस शीशा तोड़ना तो हमारे लिए आम शीशे से भी ज़्यादा आसान साबित होगा। इमरान ने कहा, ओ नहीं नहीं प्लीज़ इमरान, प्लीज़ ऐसा मत करना प्लीज़। मैं पाकशाही फार्मूला वापस कर देता हूँ, और सरकारी तौर पर भी पाकशाह से माफ़ी मांग ली जाएगी। सर सुल्तान से मैं ज़ाती तौर पर माफ़ी मांग लूँगा। बेगनाह अफराद को मत हलाक करो फॉर गॉड सेक, प्लीज़ प्लीज़ क्रांस पर रहम करो। तुमसे कोई बईद नहीं कि तुम क्या कर गुजरो, इसलिए मैं ज़ाती तौर पर तुमसे हर बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। लॉर्ड बोफे मैन ने इंतहाई आजाना लहजे में कहा, आपने यकीनन ये सोचकर ये सब किया होगा कि मार्शल ड्रिले हमें कवर कर लेगा, लेकिन हमारा ईमान है कि जो लोग हक पर होते हैं अल्लाह ताला भी इनकी मदद करता है। बहरहाल अगर आप वादा करें कि पाकशाही फार्मूला पाकशाह पहुँच जाएगा तो मैं खामोशी से वापस चला जाऊँगा, वरना जो होगा बहरहाल आप भी देख लेंगे और दूसरे भी। इमरान ने कहा, नहीं मेरा वादा है कि फार्मूला पाकशाह पहुँच जाएगा, हर हाल में पहुँच जाएगा, चाहिए मुझे खुद क्यों ना पहुँचाना पड़े। लॉर्ड बोफे मैन ने कहा, ओके मुझे आपके वादे पर एतबार है, गुड बाय। इमरान ने कहा, और इसके साथ ही इसने फ़ोन ऑफ करके इसे मेज़ पर रख दिया। अब बोलो हमारा मिशन मुकम्मल हो गया ना? इमरान ने कहा। इमरान साहब यही काम आप पहले भी तो कर सकते थे, सफदर ने कहा। नहीं, लॉर्ड बोफे मैन गैसों वाली लेबॉर्ट्री की वजह से मजबूर हुआ है, इसे मालूम है कि मैं जो कुछ कहता हूँ वो कर दिखाता हूँ, और वाकई अगर क्रिस्टल प्लस शीशा तोड़ दिया जाए तो फिर कातल गैसें हवा में शामिल हो जाएंगी और क्रांस पर क्यामत टूट पड़ेगी। अब ये और बात है कि मैं आसानी से इन रॉड से निजात हासिल नहीं कर सका, क्रिस्टल प्लस शीशा कहाँ टूटना था मुझसे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब बे इख्तियार हंस पड़े, ये 01 एजेंसी और ससली का क्या करना है जिसने बेहिमाना कत्लो गारत की थी? जूलिया ने पूछा। हम यहाँ मिशन मुकम्मल करने आए थे, जाती इंतकाम लेने नहीं, वो हमारे डर से छुपे हुए हैं तो इन्हें छुपे ही रहने दो, इमरान ने कहा। तो जूलिया एक तहील सांस लेकर रह गई। तो दोस्तों इसके साथ ही ये नावल इख्तिताम पज़ीर होता है। इस तरह के मज़ीद नावल सुनने और देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू सभा को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।